पहले से ज्यादा ताकतवर है। गाइस, होशियार रहना। क्रोश अटैक। This channel does not promote or promotion any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप राघवन की फैन हो और पावी कैरेक्टर टैकर मूवी को देखना पसंद करती हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहती हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बन रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। पावी कैरेक्टर 224 की भारतीय मलयालम भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो विनीत कुमार की तरह निर्देशी और राजेश राघवन की तरह लिखी है। इसका निर्माण दिलीप ने ग्रैंड प्रोडक्शन के माध्यम से किया था और इसमें उन्होंने शौर्य शीर्षक भूमिका निभाई थी। इसमें विनीत जानी, एंटनी, राधिका सार्थक कुमार और धर्मजन बोलघट्टी भी है। इसे 26 अप्रैल 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और इसे समीक्षकों से मिली जुली की सकारात्मक समीक्षा मिली। पावी किरण की एक ये आवासीय अपार्टमेंट में केयर टेकर है। एक अविवाहित की देखभाल करता का जीवन तब बदल जाता है जब एक केयर टेकर के लिए ही दोनों की अप्रत्याशित बंधन बनाता है, जिससे जीवन की चुनौतियों के बीच एक की आवासीय परिसर में उसकी नियमित आशी तत्वों में खुशी जुड़ जाती है। पावी अपना अधिकांश समय इमारत में बिता रहे अपनी वृत्ति स्थिति को सुधारने के लिए अक्सर रात की सुरक्षा ड्यूटी साइड डबल शिफ्ट में काम करते हैं। कई मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों में आम चिड़चिड़ाकर दोनों के समीक्षाओं के लिए ही ड्यूटी को सुधारने के लिए आम चिड़चिड़ा व्यवहार उसके अंदर भी सामने है और वह बेहद नासमझ है और मानता है कि दुनिया उसकी चारों ओर घूमती है और इमारत एक गुस्से स्वभाव वाला। पावी अपने पालतू कुत्ते भाई और अपने किराए के घर में सतवाना पाता है जहाँ वह दिन के समय सोता है। इस बीच घर की मालिक प्रूफ पुलिसकर्मी परियम्मा राधिका सरथ कुमार अपनी शुरुआती अप्रतियों के बावजूद सेक्स मंजिल के एक हिस्से को किराए पर देने का फैसला करती है जहाँ पावी रहती है। पावी जो अपनी रात की पाली को काम के कारण इस व्यक्ति से कभी नहीं मिली, मरियम्मा से पता चला कि किराएदार का एक महिला है और वह धीरे धीरे उनकी साक्षात टेबल पर छोड़े गए नोटिस के माध्यम से उसके साथ स्वाद करना शुरू कर देते। अंत उसके लिए भावनाएं विकसित होती है। हालांकि वह गलत फॉर्मी के कारण महिला अचानक बाहर चली जाती है जिससे पावी का दिल टूट जाता है और उसके काम के प्रदर्शन पर असर पड़ता है जो पहले त्रुटिहीन तरीके से किया गया था। क्या वो फिर भी कभी मिलेंगे? ये फिल्म का शेष हिस्सा है। पावी कैरेक्टर 26 अप्रैल 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। रिलीज से पहले दिलीप ने मोहनलाल होशी टंग टीवी शो बिग बॉस सीजन 6 पर फिल्म का प्रचार किया। उन्होंने 47वें दिन बिग बॉस हाउस में प्रवेश किया, प्रतियोगियों से मुलाकात की और एक प्रेस वार्ता में फिल्म के बारे में विवरण साझा किया। फिल्म का आमतौर पर समीक्षकों और दर्शकों से मिली जुली से सकारात्मक समीक्षा में टाइम्स ऑफ इंडिया की आना मैथ्यूज ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और लिखा एक विशिष्ट दिलीप की कॉमेडी। टाइम्स नाउ
इंटरटेनमेंट डेस्क ने एड हार्ट को डॉक्टर दिलीप की शोकेस दैट इंटर टेंस की लिखा और 5 में से 3 5 रेटिंग दी। लेसमेन रिव्यूज की आविन भारद्वाज ने लिखा मुख्य विषय का वैज्ञापन विलक्षण शैली की रहस्य की तरह कुर्ता प्रयोग की दुरुपयोग किया जाता है और आपको जो मिलता है वह एक पुरानी और अनारी फिल्म है जो वास्तविक हास्य खोजने के लिए संघर्ष करती है और अनुशंसित नहीं निर्णय दिया। हिंदुस्तान टाइम्स की लता श्रीनिवासन ने लिखा है कि यह दिलीप के लिए उन कहानियों के बारे में सोचने का समय है जो उन्हें अपने समकालीनों की श्रेणी में ला सकती है जो समीक्षकों को पार कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की आनंद सुरेश ने 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा विनीत कुमार की दिलीप के लिए ही अभिनीत फिल्म साबित करती है कि अभिनेता और फिल्म निर्माता दोनों को विटिन दिलीप को पुनर्जीवित करने का प्रयास बंद कर देना चाहिए और इसके बजाय कुछ नया बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सिनेमा एक्सप्रेस की विवेक संतोष ने 5 में से 50 रेटिंग दी और लिखा किसी ऐसे व्यक्ति की लिए जिसने पहले 22 की 37 फिल्मों से एक डियर फ्रेंड का निर्देशन किया था। पावी केयर टेकर एक फिल्म निर्माता के रूप में विनीत कुमार के लिए एक गंभीर गिरावट है। OTT प्ले की गायत्री कृष्णा ने 2.55 की रेटिंग दी और लिखा निर्देशन विनीत कुमार का प्रिय पुराने स्कूल की दिलीप को वापस लाने का प्रयास आधिकांश भाग के लिए एक नीरस और लंबी कहानी के कारण विफल होगी। नाउर्गनी के आर राजेश ने लिखा दिलीप इस औसत दर्जे की रोमांटिक ड्रामा में अपेक्षाकृत लचीले मोड़ में दिखाई देते जो एक और दिलचस्प प्रेम संबंध के माध्यम से अच्छा महसूस कराता है और 2.5 की रेटिंग दी। लोकसभा चुनाव के कारण शुरुआत दिनों में फिल्म के बहुत कम शो होने के बावजूद फिल्म केरल से 1.12 करोड़ का कलेक्शन करने में सफल है जिसे और उसे अच्छी शुरुआत मिली। दिलीप का जन्म 27 अक्टूबर 1967 को भारत की केरल को एर्नाकुलम जिले की एडवाना कड़ा में 55 प्लाई और सरोजम के यहाँ हुआ था। वह 3 बच्चों में सबसे बड़े हैं। उनका एक भाई अनूप और एक बहन साबिता है। दिलीप ने अलवा में विद्याधिराज विद्या भवन हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की जहाँ उन्होंने 1985 में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की और 1986-87 के दौरान प्री डिग्री तीसरे समूह के लिए यूनियन क्रिएशन कॉलेज अलवा में शामिल हो गए। बाद में उन्होंने महाराजा कॉलेज एर्नाकुलम से इतिहास में डिग्री हासिल की। महाराजा कॉलेज में अपने समय के दौरान उन्होंने प्रभावादी कृतियों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। दिलीप ने अपने दोस्त नादिर शाह के साथ ओनम आधारित ऑडियो कैसेट का निर्माण और प्रदर्शन किया जिसका सिर्फ डी मावेली कोम्बथु था जिसने उन्हें फिल्म उद्योग में प्रवेश करने में मदद की। दिलीप ने 1980 के दशक में एक मिमिक्री कलाकार के रूप में काम करते हुए लकला भवन में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने एशियानेट की कॉमेडी शो कॉर्मिकोला में भी अभिनय किया। बाद में कमल के सहायक निर्देशक के रूप में काम करते हुए उन्होंने कुछ छुट्टी भूमिकाओं में अभिनय किया जिसकी शुरुआत कमल की एरनुडु इस्टम कुदामो 1992 में एक छोटे रूसियों से हुई। कमल ने कई निर्देशकों को उनके नाम की सिफारिश की। उन्होंने मनाथी कुटारम 1994 में भूमिका दिलीप के नाम को अपने स्क्रीन नाम के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया। 1996 को 2 फिल्मों में कमल की पूजा युम की कदनु और सुंदर दास की सल्पम की सफलता ने मलयालम फिल्म उद्योग में उनकी जगह पक्की कर दी। उन्होंने IB शशि की परना पकेटु 1997 में सहायक भूमिका निभाई। 1998 में पंजाबी हाउस ने
सफल दिलीप हरिश्री अशोकन कंबो की शुरुआत की कि ई परकुम्बा थालिका 21 और कुबेरन 22 बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफल है और उनकी करियर की 203 फिल्में मानी जाती है। 22 में उन्हें फिल्म कुंजी कुनन में कुंजन की भूमिका निभाने के लिए केरल राज्य फिल्म विशेष ज्यूरी पुरस्कार जीता। लाल जोस की मिसा माघवन 22 में दिलीप ने चोर माघवन की भूमिका निभाई। यह फिल्म जिसने एक पंथ विकसित किया उनकी करियर में एक बड़ी सफलता थी क्योंकि इसने मलयालम सिनेमा में दिलीप की स्टारडम को एक नए स्तर पर बढ़ा दिया। उसी वर्ष उन्होंने राज्यम के साथ तमिल सिनेमा में भी डेब्यू किया। सी आई डी मूसा 23 जानी एथोनी की एक स्लैप सीटक कॉमेडी कई प्रशंसकों की तरह दिलीप की करियर की 37 फिल्मों से एक मानी जाती है। 24 में उन्होंने टीवी चंद्रन की कगवेशन का निर्माण और अभिनय किया। उन्होंने चंटू पुटू 25 में अपने प्रदर्शन के लिए विशेष उल्लेख जीता। दिलीप ने एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स AMA के लिए धन जुटाने के लिए सोज जोशी की तरह निर्देशित 22-28 का निर्माण किया। यह फिल्म उस समय तक सबसे अधिक कमाई करने वाली मलयालम फिल्म 31.4 करोड़ बन गई। उन्होंने मलारवाड़ी ऑर्टर्स क्लब के साथ प्रोडक्शन में कदम रखा। कार्यस्थान उनकी 100वीं फिल्म थी। वेलारी प्रवीणी चंगथे 20 इलान में उनकी भूमिका के लिए उन्होंने 37। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप राघवन की फैन हो और पावी कैरेक्टर मूवी को देखना पसंद करती हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहती हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बन रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। पावी कैरेक्टर 22-4 की भारतीय मलयालम भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो विनीत कुमार की तरह निर्देशित और राजेश राघवन की तरह लिखी है। इसका निर्माण दिलीप ने ग्रैंड प्रोडक्शन के माध्यम से किया था और इसमें उन्होंने शौर्य शीर्षक भूमिका निभाई थी। इसमें विनीत जानी एंटनी राधिका सार्थक कुमार और धर्मजन बोलघट्टी भी है। इसे 26 अप्रैल 22-4 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और इसे समीक्षकों से मिली जुली की सकारात्मक समीक्षा मिली। पवी केरल की एक ये आवासीय अपार्टमेंट में केयर टेकर है। एक अविवाहित की देखभालकर्ता का जीवन तब बदल जाता है जब एक केयर टेकर के लिए ही दोनों की अप्रत्याशित बंधन बनाता है जिससे जीवन की चुनौतियों के बीच एक की आवासीय परिसर में उसकी नियमित आशी तत्व में खुशी जुड़ जाती है। पावी अपना अधिकांश समय इमारत में बिता रहे अपनी वृत्ति स्थिति को सुधारने के लिए अक्सर रात की सुरक्षा ड्यूटी साइड डबल शिफ्ट में काम करते हैं। कई मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों में आम चिड़चिड़ाकर दोनों के समीक्षाओं के लिए ही ड्यूटी को सुधारने के लिए आम चिड़चिड़ा व्यवहार उसके अंदर भी सामने है और वह बेहद नासमझ है और मानता है कि दुनिया उसकी चारों ओर घूमती है और इमारत एक गुस्से स्वभाव वाला। पावी अपने पालतू कुत्ते भाई और अपने किराए के घर में सतवाना पाता है जहाँ वह दिन के समय सोता है। इस बीच घर की मालिक प्रूफ पुलिसकर्मी परियम्मा राधिका सार्थक कुमार अपनी शुरुआती अप्रतियों के बावजूद सेक्स मंजिल के एक हिस्से को किराए पर देने का फैसला करती है जहाँ पावी रहती है। पावी जो अपनी रात की पाली को काम के कारण इस व्यक्ति से कभी नहीं मिली। मरियम्मा से पता चला कि किराएदार का एक महिला है और वह धीरे धीरे उनकी साक्षात टेबल पर छोड़े गए नोटिस के माध्यम से उसके साथ स्वाद करना शुरू कर देते। अंत उसके लिए भावनाएं विकसित होती है। हालांकि वह गलत फॉर्मी के कारण महिला अचानक बाहर चली जाती है जिससे पावी का दिल टूट जाता है और उसके काम के प्रदर्शन पर असर पड़ता है जो पहले त्रुटिहीन तरीके से किया गया था। क्या वो फिर भी कभी मिलेंगे? ये फिल्म का शेष हिस्सा है।
पावी कैरेक्टर 26 अप्रैल 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। रिलीज से पहले दिलीप ने मोहनलाल होसी टंग टीवी शो बिग बॉस सीजन 6 पर फिल्म का प्रचार किया। उन्होंने 47वें दिन बिग बॉस हाउस में प्रवेश किया, प्रतियोगियों से मुलाकात की और एक प्रेस वार्ता में फिल्म के बारे में विवरण साझा किया। फिल्म का आमतौर पर समीक्षकों और दर्शकों से मिली जुली से सकारात्मक समीक्षा में टाइम्स ऑफ इंडिया की आना मैथ्यूज ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और लिखा एक विशिष्ट दिलीप की कॉमेडी। टाइम्स नाउ इंटरटेनमेंट डेस्क ने हार्ड कोडर दिलीप की शोकेस दैट इंटर टेंस की लिखा और 5 में से 3.5 रेटिंग दी। लेसमेन रिव्यूज की आविन भरराज ने लिखा मुख्य विषय का वैज्ञापूर्ण विलक्षण शैली की रहस्य की तरह कुर्ता प्रयोग की दुरुपयोग किया जाता है और आपको जो मिलता है वह एक पुरानी और अनारी फिल्म है जो वास्तविक हास्य खोजने के लिए संघर्ष करती है और अनुशंसित नहीं निर्णय दिया। हिंदुस्तान टाइम्स की लता श्रीनिवासन ने लिखा है कि यह दिलीप के लिए उन कहानियों के बारे में सोचने का समय है जो उन्हें अपने समकालीनों की श्रेणी में ला सकती है, जो समीक्षकों को पार कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की आनंदू सुरेश ने 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा विनीत कुमार की दिलीप के लिए ही अभिनीत फिल्म साबित करती है कि अभिनेता और फिल्म निर्माता दोनों को विटिन दिलीप को पुनर्जीवित करने का प्रयास बंद कर देना चाहिए और इसके बजाय कुछ नया बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सिनेमा एक्सप्रेस की विवेक संतोष ने 5 में से 50 रेटिंग दी और लिखा किसी ऐसे व्यक्ति की लिए जिसने पहले 22 की 37 फिल्मों से एक डियर फ्रेंड का निर्देशन किया था। पावी केयर टेकर एक फिल्म निर्माता के रूप में विनीत कुमार के लिए एक गंभीर गिरावट है। OTT प्ले की गायत्री कृष्णा ने 2.55 की रेटिंग दी और लिखा निर्देशन विनीत कुमार का प्रिय पुराने स्कूल की दिलीप को वापस लाने का प्रयास अधिकांश भाग के लिए एक नीरस और लंबी कहानी के कारण विफल होगी। नाउर्गनी के आर राजेश ने लिखा दिलीप इस औसत दर्जे की रोमांटिक ड्रामा में अपेक्षाकृत लचीले मोड में दिखाई देते जो एक और दिलचस्प प्रेम संबंध के माध्यम से अच्छा महसूस कराता है और 2.5 की रेटिंग दी। लोकसभा चुनाव के कारण शुरुआत दिनों में फिल्म के बहुत कम शो होने के बावजूद फिल्म केरल से 1.12 करोड़ का कलेक्शन करने में सफल है जिसे और उसे अच्छी शुरुआत मिली। दिलीप का जन्म 27 अक्टूबर 1967 को भारत की केरल को एर्नाकुलम जिले की एडवाना कड़ा में 55 प्लाई और सरोजम के यहाँ हुआ था। वह 3 बच्चों में सबसे बड़े हैं। उनका एक भाई अनूप और एक बहन साबिता है। दिलीप ने अलवा में विद्याधिराज विद्या भवन हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की जहाँ उन्होंने 1985 में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की और 1986-87 के दौरान प्री डिग्री तीसरे समूह के लिए यूनियन क्रिएशन कॉलेज अलवा में शामिल हो गए। बाद में उन्होंने महाराजा कॉलेज एर्नाकुलम से इतिहास में डिग्री हासिल की। महाराजा कॉलेज में अपने समय के दौरान उन्होंने प्रभावादी कृतियों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। दिलीप ने अपने दोस्त नादिर शाह के साथ ओनम आधारित ऑडियो कैसेट का निर्माण और प्रदर्शन किया जिसका सिर्स डी मावेली कोम्बथु था जिसने उन्हें फिल्म उद्योग में प्रवेश करने में मदद की। दिलीप ने 1980 के दशक में एक मिमिक्री कलाकार के रूप में काम करते हुए लकला भवन में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने एशियानेट की कॉमेडी शो कॉर्मिकोला में भी अभिनय किया। बाद में कमल के सहायक निर्देशक के रूप में काम करते हुए उन्होंने कुछ छोटी भूमिकाओं में अभिनय किया जिसकी शुरुआत कमल की एरनुडु इस्टम कुदामो 1992 में एक छोटे रूसी से कमल ने कई निर्देशकों को
उनके नाम की सिफारिश की। उन्होंने मनाथे कुटारम 1994 में भूमिका दिलीप के नाम को अपने स्क्रीन नाम के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया। 1996 को दो फिल्मों में कमल की पूजा, युम की कदनू और सुंदर दास की सल्पम की सफलता ने मलयालम फिल्म उर्दू में उनकी जगह पक्की कर दी। उन्होंने आई बी शशि की परना पकीटू 1997 में सहायक भूमिका निभाई। 1998 में पंजाबी हाउस ने सफल दिलीप हरिश्री अशोकन कंबो की शुरुआत की कि ए परकुम माथालिका 21 और कुबेरन 22 बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफल है और उनकी करियर की 203 फिल्में मानी जाती है। 22 में उन्हें फिल्म कुंजी कुनन में कुंजन की भूमिका निभाने के लिए केरल राज्य फिल्म विशेष ज्यूरी पुरस्कार जीता। लाल जोस की मिसा माघवन 22 में दिलीप ने चोर माघवन की भूमिका निभाई। यह फिल्म जिसने एक पंथ विकसित किया उनकी करियर में एक बड़ी सफलता थी क्योंकि इसने मलयालम सिनेमा में दिलीप की स्टारडम को एक नए स्तर पर बढ़ा दिया। उसी वर्ष उन्होंने राज्यम के साथ तमिल सिनेमा में भी डेब्यू किया। सी आई डी मूसा 23 जानी एथोनी की एक स्लैपस्टिक कॉमेडी कई प्रशंसकों की तरह दिलीप की करियर की 37 फिल्मों से एक मानी जाती है। 24 में उन्होंने टीवी चंद्रन की कगवेशन का निर्माण और अभिनय किया। उन्होंने चंटू पुटू 25 में अपने प्रदर्शन के लिए विशेष उल्लेख जीता। दिलीप ने एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स AMA के लिए धन जुटाने के लिए जोशी की तरह निर्देशित 22-28 का निर्माण किया। यह फिल्म उस समय तक सबसे अधिक कमाई करने वाली मलयालम फिल्म 31.4 करोड़ बन गई। उन्होंने मलारवाड़ी ऑर्टर्स क्लब के साथ प्रोडक्शन में कदम रखा। कार्यस्थान उनकी 100वीं फिल्म थी। वेलारी प्रवीण चंगथे 2011 में उनकी भूमिका के लिए उन्होंने 37। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप राघवन की फैन हो और पावी कैरेक्टर टैकर मूवी को देखना पसंद करती हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहती हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। पावी कैरेक्टर 22-4 की भारतीय मलयालम भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो विनीत कुमार की तरह निर्देशित और राजेश राघवन की तरह लिखी है। इसका निर्माण दिलीप ने ग्रैंड प्रोडक्शन के माध्यम से किया था और इसमें उन्होंने शौर्य शीर्षक भूमिका निभाई थी। इसमें विनीत जानी एंटनी राधिका सार्थक कुमार और धर्मजन बोलघट्टी भी है। इसे 26 अप्रैल 22-4 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और इसे समीक्षकों से मिली जुली की सकारात्मक समीक्षा मिली। पवी केरल की एक ये आवासीय अपार्टमेंट में केयर टेकर है। एक अविवाहित की देखभालकर्ता का जीवन तब बदल जाता है जब एक केयर टेकर के लिए ही दोनों की अप्रत्याशित बंधन बनाता है जिसे जीवन की चुनौतियों के बीच एक की आवासीय परिसर में उसकी नियमित आशी तत्वों में खुशी जुड़ जाती है। पावी अपना अधिकांश समय इमारत में बिता रहे अपनी वृत्ति स्थिति को सुधारने के लिए अक्सर रात की सुरक्षा ड्यूटी सहित डबल शिफ्ट में काम करते हैं। कई मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों में आम चिड़चिड़ाकर दोनों के समीक्षाओं के लिए ही ड्यूटी को सुधारने के लिए आम चिड़चिड़ा व्यवहार उसके अंदर भी सामने है और वह बेहद नासमझ है और मानता है कि दुनिया उसकी चारों ओर घूमती है और इमारत एक गुस्से स्वभाव वाला। पावी अपने पालतू कुत्ते भाई और अपने किराए के घर में सतवाना पाता है जहाँ वह दिन के समय सोता है। इस बीच घर की मालिक प्रूफ पुलिसकर्मी परियम्मा राधिका सार्थक कुमार अपनी शुरुआती अप्रतियों के बावजूद सेक्स मंजिल के एक हिस्से को किराए पर देने का फैसला करती है जहाँ पावी रहती है। पावी जो अपनी रात की पाली को काम के कारण इस व्यक्ति से कभी नहीं मिली। मरियम्मा से पता चला कि किराएदार का एक महिला है और वह धीरे धीरे उनकी साक्षात टेबल पर छोड़े गए नोटिस के माध्यम से उसके साथ स्वाद करना शुरू कर देते। अंत उसके लिए
भावनाएं विकसित होती है। हालांकि वह गलत फहमी के कारण महिला अचानक बाहर चली जाती है, जिसे पावी का दिल टूट जाता है और उसके काम के प्रदर्शन पर असर पड़ता है जो पहले त्रुटिहीन तरीके से किया गया था। क्या वो फिर भी कभी मिलेंगे? ये फिल्म का शेष हिस्सा है। पावी कैरेक्टर 26 अप्रैल 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। रिलीज से पहले दिलीप ने मोहनलाल होशी टंग टीवी शो बिग बॉस सीजन 6 पर फिल्म का प्रचार किया। उन्होंने 47वें दिन बिग बॉस हाउस में प्रवेश किया, प्रतियोगियों से मुलाकात की और एक प्रेस वार्ता में फिल्म के बारे में विवरण साझा किया। फिल्म का आमतौर पर समीक्षकों और दर्शकों से मिली जुली से सकारात्मक समीक्षा में टाइम्स ऑफ इंडिया की आना मैथ्यूज ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और लिखा एक विशिष्ट दिलीप की कॉमेडी। टाइम्स नाउ इंटरटेनमेंट डेस्क ने ये हार्ड कोडर दिलीप की शोकेस दैट इंटर टेंस की लिखा और 5 में से 3.5 रेटिंग दी। लेसमेन रिव्यूज की आविन भरराज ने लिखा मुख्य विषय का वैज्ञापूर्ण विलक्षण शैली की रहस्य की तरह कुर्ता प्रयोग की दुरुपयोग किया जाता है और आपको जो मिलता है वह एक पुरानी और अनारी फिल्म है जो वास्तविक हास्य खोजने के लिए संघर्ष करती है और अनुशंसित नहीं निर्णय दिया। हिंदुस्तान टाइम्स की लता त्रिनिवासन ने लिखा है कि यह दिलीप के लिए उन कहानियों के बारे में सोचने का समय है जो उन्हें अपने समकालीनों की श्रेणी में ला सकती है, जो समीक्षकों को पार कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की आनंद सुरेश ने 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा विनीत कुमार की दिलीप के लिए ही अभिनीत फिल्म साबित करती है कि अभिनेता और फिल्म निर्माता दोनों को विटिन दिलीप को पुनर्जीवित करने का प्रयास बंद कर देना चाहिए और इसके बजाय कुछ नया बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सिनेमा एक्सप्रेस की विवेक संतोष ने 5 में से 50 रेटिंग दी और लिखा किसी ऐसे व्यक्ति की लिए जिसने पहले 22 की 37 फिल्मों से एक डियर फ्रेंड का निर्देशन किया था। पावी केयरटेकर एक फिल्म निर्माता के रूप में विनीत कुमार के लिए एक गंभीर गिरावट है। OTT प्ले की गायत्री कृष्णा ने 2.55 की रेटिंग दी और लिखा निर्देशन विनीत कुमार का प्रिय पुराने स्कूल की दिलीप को वापस लाने का प्रयास अधिकांश भाग के लिए एक नीरस और लंबी कहानी के कारण विफल होगी। नाउर्गनी के आर राजेश ने लिखा दिलीप इस औसत दर्जे की रोमांटिक ड्रामा में अपेक्षाकृत लचीले मोड़ में दिखाई देते जो एक और दिलचस्प प्रेम संबंध के माध्यम से अच्छा महसूस कराता है और 2.5 की रेटिंग दी। लोकसभा चुनाव के कारण शुरुआत दिनों में फिल्म के बहुत कम शो होने के बावजूद फिल्म केरल से 1.12 करोड़ का कलेक्शन करने में सफल है, जिसे और उसे अच्छी शुरुआत मिली। दिलीप का जन्म 27 अक्टूबर 1967 को भारत की केरल को एर्नाकुलम जिले की एडवाना कड़ा में 55 प्लाई और सरोजम के यहाँ हुआ था। वह 3 बच्चों में सबसे बड़े हैं। उनका एक भाई अनूप और एक बहन साबिता है। दिलीप ने अलवा में विद्याधिराज विद्या भवन हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की, जहाँ उन्होंने 1985 में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की और 1986-87 के दौरान प्री डिग्री तीसरे समूह के लिए यूनियन क्रिएशन कॉलेज अलवा में शामिल हो गए। बाद में उन्होंने महाराजा कॉलेज एर्नाकुलम से इतिहास में डिग्री हासिल की। महाराजा कॉलेज में अपने समय के दौरान उन्होंने प्रभावादी कृतियों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। दिलीप ने अपने दोस्त नादिर शाह के साथ ओनम आधारित ऑडियो कैसेट का निर्माण और प्रदर्शन किया, जिसका शीर्ष डी मावेली कुंभथु था, जिसने उन्हें फिल्म उद्योग में प्रवेश करने में मदद की। दिलीप ने 1980 के दशक में
एक मिमिक्री कलाकार के रूप में काम करते हुए लकला भवन में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने एशियानेट की कॉमेडी शो कॉर्मिकोला में भी अभिनय किया। बाद में कमल के सहायक निर्देशक के रूप में काम करते उन्होंने कुछ छोटी भूमिकाओं में अभिनय किया, जिसकी शुरुआत कमल की एनुरु इस्टम कुदामो 1992 में एक छोटे रूसी से हुई। कमल ने कई निर्देशकों को उनके नाम की सिफारिश की। उन्होंने मनाथी कुटारम 1994 में भूमिका दिलीप के नाम को अपने स्क्रीन नाम के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया। 1996 को दो फिल्मों में कमल की पूजा, युम की कदनू और सुंदर दास की सल्पम की सफलता ने मलयालम फिल्म उद्योग में उनकी जगह पक्की कर दी। उन्होंने आई वी शशि की परना पकीटू 1997 में सहायक भूमिका निभाई। 1998 में पंजाबी हाउस ने सफल दिलीप हरिश्री अशोकन कंबो की शुरुआत की कि ई परकुम माथालिका 21 और कुबेरन 22 बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफल है और उनकी करियर की 203 फिल्में मानी जाती है। 22 में उन्हें फिल्म कुंजी कुनन में कुंजन की भूमिका निभाने के लिए केरल राज्य फिल्म विशेष ज्यूरी पुरस्कार जीता। लाल जोस की मिसा माघवन 22 में दिलीप ने चोर माघवन की भूमिका निभाई। यह फिल्म जिसने एक पंथ विकसित किया उनकी करियर में एक बड़ी सफलता थी, क्योंकि इसने मलयालम सिनेमा में दिलीप की स्टारडम को एक नए स्तर पर बढ़ा दिया। उसी वर्ष उन्होंने राज्यम के साथ तमिल सिनेमा में भी डेब्यू किया। सी आई डी मूसा 23 जानी एथोनी की एक स्लैप सीटक कॉमेडी कई प्रशंसकों की तरह दिलीप की करियर की 37 फिल्मों से एक मानी जाती है। 24 में उन्होंने टीवी चंद्रन की कगवेशन का निर्माण और अभिनय किया। उन्होंने चंटू पुटू 25 में अपने प्रदर्शन के लिए विशेष उल्लेख जीता। दिलीप ने एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स AMA के लिए धन जुटाने के लिए जोशी की तरह निर्देशित 22-28 का निर्माण किया। यह फिल्म उस समय तक सबसे अधिक कमाई करने वाली मलयालम फिल्म 31.4 करोड़ बन गई। उन्होंने मलारवाड़ी ऑर्टर्स क्लब के साथ प्रोडक्शन में कदम रखा। कार्यस्थान उनकी 100वीं फिल्म थी। वेलारी प्रवीण चंगथे 2011 में उनकी भूमिका के लिए उन्होंने 37। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप राघवन की फैन हो और पावी कैरेक्टर टैकर मूवी को देखना पसंद करती हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहती हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। पावी कैरेक्टर 22-4 की भारतीय मलयालम भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जो विनीत कुमार की तरह निर्देशित और राजेश राघवन की तरह लिखी है। इसका निर्माण दिलीप ने ग्रैंड प्रोडक्शन के माध्यम से किया था और इसमें उन्होंने शौर्य शीर्षक भूमिका निभाई थी। इसमें विनीत जानी एंटनी राधिका सार्थक कुमार और धर्मजन बोलघट्टी भी है। इसे 26 अप्रैल 22-4 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और इसे समीक्षकों से मिली जुली की सकारात्मक समीक्षा मिली। पवी केरल के एक ये आवासीय अपार्टमेंट में केयर टेकर है। एक अविवाहित की देखभालकर्ता का जीवन तब बदल जाता है जब एक केयर टेकर के लिए ही दोनों की अप्रत्याशित बंधन बनाता है, जिसे जीवन की चुनौतियों के बीच एक की आवासीय परिसर में उसकी नियमित आशी तत्वों में खुशी जुड़ जाती है। पावी अपना अधिकांश समय इमारत में बिता रहे अपनी वृत्ति स्थिति को सुधारने के लिए अक्सर रात की सुरक्षा ड्यूटी सहित डबल शिफ्ट में काम करते हैं। कई मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों में आम चिड़चिड़ाकर दोनों के समीक्षाओं के लिए ही ड्यूटी को सुधारने के लिए आम चिड़चिड़ा व्यवहार उसके अंदर भी सामने है और वह बेहद नासमझ है और मानता है कि दुनिया उसकी चारों ओर घूमती है और इमारत एक गुस्सा स्वभाव वाला। पावी अपने पालतू कुत्ते भाई और
अपने किराए के घर में सतवाना पाता है, जहाँ वह दिन के समय सोता है। इस बीच घर की मालिक प्रूफ पुलिसकर्मी परियम्मा राधिका सरता कुमार अपनी शुरुआती आपत्तियों के बावजूद सिंह मंजिल के एक हिस्से को किराए पर देने का फैसला करती है, जहाँ पावी रहती है। पावी जो अपनी रात की पाली को काम के कारण इस व्यक्ति से कभी नहीं मिली। मरियम्मा से पता चला कि किराएदार का एक महिला है और वह धीरे धीरे उनकी साक्षात टेबल पर छोड़े गए नोटिस के माध्यम से उसके साथ स्वार्थ करना शुरू कर देते। अंत उसके लिए भावनाएं विकसित होती है। हालांकि वह गलत फहमी के कारण महिला अचानक बाहर चली जाती है, जिसे पावी का दिल टूट जाता है और उसके काम के प्रदर्शन पर असर पड़ता है, जो पहले त्रुटिहीन तरीके से किया गया था। क्या वो फिर भी कभी मिलेंगे? ये फिल्म का शेष हिस्सा है। पावी कैरेक्टर 26 अप्रैल 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। रिलीज से पहले दिलीप ने मोहनलाल होशी टंग टीवी शो बिग बॉस सीजन 6 पर फिल्म का प्रचार किया। उन्होंने 47वें दिन बिग बॉस हाउस में प्रवेश किया, प्रतियोगियों से मुलाकात की और एक प्रेस वार्ता में फिल्म के बारे में विवरण साझा किया। फिल्म का आमतौर पर समीक्षकों और दर्शकों से मिली जुलाई से सकारात्मक समीक्षा में टाइम्स ऑफ इंडिया की आना मैथ्यूज ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और लिखा एक विशिष्ट दिलीप की कॉमेडी। टाइम्स नाउ इंटरटेनमेंट डेस्क ने ये हार्ड कोडर दिलीप की शोकेस दैट इंटर टेंस की लिखा और 5 में से 3.5 रेटिंग दी। लेसमेन रिव्यूज की आविन भरराज ने लिखा मुख्य विषय का वैज्ञापन विलक्षण शैली की रहस्य की तरह कुर्ता प्रयोग की दुरुपयोग किया जाता है और आपको जो मिलता है वह एक पुरानी और अनारी फिल्म है जो वास्तविक हास्य खोजने के लिए संघर्ष करती है और अनुशंसित नहीं। निर्णय दिया हिंदुस्तान टाइम्स की लता श्रीनिवासन ने लिखा है कि यह दिलीप के लिए उन कहानियों के बारे में सोचने का समय है जो उन्हें अपने समकालीनों की श्रेणी में ला सकती है, जो समीक्षकों को पार कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की आनंदू सुरेश ने 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा विनीत कुमार की दिलीप के लिए ही अभिनीत फिल्म साबित करती है कि अभिनेता और फिल्म निर्माता दोनों को विटिन दिलीप को पुनर्जीवित करने का प्रयास बंद कर देना चाहिए और इसके बजाय कुछ नया बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सिनेमा एक्सप्रेस की विवेक संतोष ने 5 में से 50 रेटिंग दी और लिखा किसी ऐसे व्यक्ति की लिए जिसने पहले 22 की 37 फिल्मों से एक डियर फ्रेंड का निर्देशन किया था। पावी केयरटेकर एक फिल्म निर्माता के रूप में विनीत कुमार के लिए एक गंभीर गिरावट है। OTT प्ले की गायत्री कृष्णा ने 2.55 की रेटिंग दी और लिखा निर्देशन विनीत कुमार का प्रिय पुराने स्कूल की दिलीप को वापस लाने का प्रयास आधिकांश भाग के लिए एक नीरस और लंबी कहानी के कारण विफल होगी। नाउरनी के आर राजेश ने लिखा दिलीप इस औसत दर्जे की रोमांटिक ड्रामा में अपेक्षाकृत लचीले मोड़ में दिखाई देते, जो एक और दिलचस्प प्रेम संबंध के माध्यम से अच्छा महसूस कराता है और 2.5 की रेटिंग दी। लोकसभा चुनाव के कारण शुरुआत दिनों में फिल्म के बहुत कम शो होने के बावजूद फिल्म केरल से 1.28 करोड़ का कलेक्शन करने में सफल है, जिसे और उसे अच्छी शुरुआत मिली। दिलीप का जन्म 27 अक्टूबर 1967 को भारत की केरल को एर्नाकुलम जिले की एडवनाकड़ा में 55 प्लाई और सरोजम के यहाँ हुआ था। वह 3 बच्चों में सबसे बड़े हैं। उनका एक भाई अनूप और एक बहन साबिता है। दिलीप ने अलवा में विद्याधिराज विद्या भवन हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की, जहाँ उन्होंने 1985 में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की और 1985-1986 के दौरान प्री डिग्री तीसरे समूह के लिए
यूनियन क्रिएशन कॉलेज आलुआ में शामिल हो गए। बाद में उन्होंने महाराजा कॉलेज एर्नाकुलम से इतिहास में डिग्री हासिल की। महाराजा कॉलेज में अपने समय के दौरान उन्होंने प्रभावादी कुर्तियों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। दिलीप ने अपने दोस्त नादिर शाह के साथ ओनम आधारित ऑडियो कैसेट का निर्माण और प्रदर्शन किया, जिसका शीर्ष डी मावेली कुंभथु था, जिसने उन्हें फिल्म उद्योग में प्रवेश करने में मदद की। दिलीप ने 1980 के दशक में एक मिमिक्री कलाकार के रूप में काम करते हुए लकला भवन में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने एशियानेट की कॉमेडी शो कॉर्मिकोला में भी अभिनय किया। बाद में कमल के सहायक निर्देशक के रूप में काम करते हुए उन्होंने कुछ छोटी भूमिकाओं में अभिनय किया, जिसकी शुरुआत कमल की एरनुडु इष्टम कुदामो 1992 में एक छोटे रूसियों से हुई। कमल ने कई निर्देशकों को उनके नाम की सिफारिश की। उन्होंने मनाथी कुटारम 1994 में भूमिका दिलीप के नाम को अपने स्क्रीन नाम के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया। 1996 को दो फिल्मों में कमल की पूजा, युम की कदनू और सुंदर दास की सल्पम की सफलता ने मलयालम फिल्म उद्योग में उनकी जगह पक्की कर दी। उन्होंने आई बी शशि की परना पकीटू 1997 में सहायक भूमिका निभाई। 1998 में पंजाबी हाउस ने सफल दिलीप हरिश्री अशोकन कंबो की शुरुआत की कि ए परकुम माथालिका 21 और कुबेरन 22 बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफल है और उनकी करियर की 203 फिल्में मानी जाती है। 22 में उन्हें फिल्म कुंजी कुनन में कुंजन की भूमिका निभाने के लिए केरल राज्य फिल्म विशेष ज्यूरी पुरस्कार जीता। लाल जोश की मिसा माघवन 22 में दिलीप ने चोर माघवन की भूमिका निभाई। यह फिल्म जिसने एक पंथ विकसित किया उनकी करियर में एक बड़ी सफलता थी, क्योंकि इसने मलयालम सिनेमा में दिलीप की स्टारडम को एक नए स्तर पर बढ़ा दिया। उसी वर्ष उन्होंने राज्यम के साथ तमिल सिनेमा में भी डेब्यू किया। सी आई डी मूसा 23 जानी एथोनी की एक स्लैप सीटक कॉमेडी कई प्रशंसकों की तरह दिलीप की करियर की 37 फिल्मों से एक मानी जाती है। 24 में उन्होंने टीवी चंद्रन की कगवेशन का निर्माण और अभिनय किया। उन्होंने चंटू पुटू 25 में अपने प्रदर्शन के लिए विशेष उल्लेख जीता। दिलीप ने एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स AMA के लिए धन जुटाने के लिए जोशी की तरह निर्देशित 22-28 का निर्माण किया। यह फिल्म उस समय तक सबसे अधिक कमाई करने वाली मलयालम फिल्म 31.4 करोड़ बन गई। उन्होंने मलारवाड़ी ऑर्टर्स क्लब के साथ प्रोडक्शन में कदम रखा। कार्यस्थान उनकी 100वीं फिल्म थी। वेलारी प्रवीणी चंगथे 2011 में उनकी भूमिका के लिए उन्होंने 37। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप राघवन की फैन हो और पावी कैरेक्टर टैकर मूवी को देखना पसंद करती हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहती हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। पावी कैरेक्टर 22-4 की भारतीय मलयालम भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जो विनीत कुमार की तरह निर्देशित और राजेश राघवन की तरह लिखी है। इसका निर्माण दिलीप ने ग्रैंड प्रोडक्शन के माध्यम से किया था और इसमें उन्होंने शौर्य शीर्षक भूमिका निभाई थी। इसमें विनीत जानी एंटनी राधिका सार्थक कुमार और धर्मजन बोलघट्टी भी है। इसे 26 अप्रैल 22-4 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और इसे समीक्षकों से मिली जुली की सकारात्मक समीक्षा मिली। पवी केरल के एक आवासीय अपार्टमेंट में केयर टेकर है। एक अविवाहित की देखभालकर्ता का जीवन तब बदल जाता है जब एक केयर टेकर के लिए ही दोनों की अप्रत्याशित बंधन बनाता है, जिसे जीवन की चुनौतियों के बीच एक की आवासीय परिसर में उसकी नियमित आशी तत्वों में खुशी जुड़ जाती है। पावी अपना अधिकांश समय इमारत में बिता रहे अपनी वृत्ति स्थिति को सुधारने के लिए अक्सर रात की सुरक्षा ड्यूटी सहित डबल शिफ्ट में काम करते हैं। कई मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों में आम चिड़चिड़ा कर
आम चिड़चिड़ाकर दोनों के समीक्षकों के लिए ही ड्यूटी को सुधारने के लिए आम चिड़चिड़ा व्यवहार उसके अंदर भी सामने है और वह बेहद नासमझ है और मानता है कि दुनिया उसकी चारों ओर घूमती है और इमारत एक गुस्से स्वभाव वाला पावी अपने पालतू कुत्ते भाई और अपने किराए के घर में सतवाना पाता है जहाँ वह दिन के समय सोता है। इस बीच घर की मालिक प्रूफ पुलिसकर्मी परियम्मा राधिका सरता कुमार अपनी शुरुआती अप्रतियों के बावजूद सिंह मंजिल के एक हिस्से को किराए पर देने का फैसला करती है जहाँ पावी रहती है। पावी जो अपनी रात की पाली को काम के कारण इस व्यक्ति से कभी नहीं मिली। मरियम्मा से पता चला कि किराएदार का एक महिला है और वह धीरे धीरे उनकी साक्षात टेबल पर छोड़े गए नोटिस के माध्यम से उसके साथ स्वाद करना शुरू कर दी थी। अंत उसके लिए भावनाएं विकसित होती है। हालांकि वह गलत फहमी के कारण महिला अचानक बाहर चली जाती है जिसे पावी का दिल टूट जाता है और उसके काम के प्रदर्शन पर असर पड़ता है जो पहले त्रुटिहीन तरीके से किया गया था। क्या वो फिर भी कभी मिलेंगे? ये फिल्म का शेष हिस्सा है। पावी कैरेक्टर 26 अप्रैल 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। रिलीज से पहले दिलीप ने मोहनलाल होशी टंग टीवी शो बिग बॉस सीजन 6 पर फिल्म का प्रचार किया। उन्होंने 47वें दिन बिग बॉस हाउस में प्रवेश किया, प्रतियोगियों से मुलाकात की और एक प्रेस वार्ता में फिल्म के बारे में विवरण साझा किया। फिल्म का आमतौर पर समीक्षकों और दर्शकों से मिली जुली से सकारात्मक समीक्षा में टाइम्स ऑफ इंडिया की आना मैथ्यूज ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और लिखा एक विशिष्ट दिलीप की कॉमेडी। टाइम्स नाउ इंटरटेनमेंट डेस्क ने ये हार्ड कोडर दिलीप की शोकेस दैट इंटर टेंस की लिखा और 5 में से 3 5 रेटिंग दी। लेसमेन रिव्यूज की आविन भरदाज ने लिखा मुख्य विषय का वैज्ञापूर्ण विलक्षण शैली की रहस्य की तरह कुर्ता प्रयोग की दुरुपयोग किया जाता है और आपको जो मिलता है वह एक पुरानी और अनारी फिल्म है जो वास्तविक हास्य खोजने के लिए संघर्ष करती है और अनुशंसित नहीं निर्णय दिया। हिंदुस्तान टाइम्स की लता श्रीनिवासन ने लिखा है कि यह दिलीप के लिए उन कहानियों के बारे में सोचने का समय है जो उन्हें अपने समकालीनों की श्रेणी में ला सकती है जो समीक्षकों को पार कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की आनंदू सुरेश ने 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा विनीत कुमार की दिलीप के लिए ही अभिनीत फिल्म साबित करती है कि अभिनेता और फिल्म निर्माताओं दोनों को विटिन दिलीप को पुनर्जीवित करने का प्रयास बंद कर देना चाहिए और इसके बजाय कुछ नया बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सिनेमा एक्सप्रेस की विवेक संतोष ने 5 में से 50 रेटिंग दी और लिखा किसी ऐसे व्यक्ति की लिए जिसने पहले 22 की 37 फिल्मों से एक डियर फ्रेंड का निर्देशन किया था। पावी केयर टेकर एक फिल्म निर्माता के रूप में विनीत कुमार के लिए एक गंभीर गिरावट है। OTT प्ले की गायत्री कृष्णा ने 2.55 की रेटिंग दी और लिखा निर्देशन विनीत कुमार का प्रिय पुराने स्कूल की दिलीप को वापस लाने का प्रयास अधिकांश भाग के लिए एक नीरस और लंबी कहानी के कारण विफल होगी। नाउर्गनी के आर राजेश ने लिखा दिलीप इस औसत दर्जे की रोमांटिक ड्रामा में अपेक्षाकृत लचीले मोड़ में दिखाई देते जो एक अर्ध दिलचस्प प्रेम संबंध के माध्यम से अच्छा महसूस कराता है और 2.5 की रेटिंग दी। लोकसभा चुनाव के कारण शुरुआत दिनों में फिल्म के बहुत कम शो होने के बावजूद फिल्म केरल से 1.28 करोड़ का कलेक्शन करने में सफल है जिसे और उसे अच्छी शुरुआत मिली। दिलीप का जन्म 27 अक्टूबर 1967 को भारत की केरल को एर्नाकुलम जिले की एडवाना कड़ा में 55 प्लाई और सरोजम के यहाँ हुआ था। वह 3 बच्चों में सबसे बड़े हैं। उनका एक भाई अनूप और एक बहन साबिता है।
दिलीप ने अलवा में विद्यार्थी विद्याधीराज विद्या भवन हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने 1985 में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की और 1986-87 के दौरान प्री डिग्री तीसरे समूह के लिए यूनियन क्रिएशन कॉलेज अलवा में शामिल हो गए। बाद में उन्होंने महाराजा कॉलेज एर्नाकुलम से इतिहास में डिग्री हासिल की। महाराजा कॉलेज में अपने समय के दौरान उन्होंने प्रभावादी कृतियों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। दिलीप ने अपने दोस्त नादिर शाह के साथ ओनम आधारित ऑडियो कैसेट का निर्माण और प्रदर्शन किया, जिसका शीर्ष डी मावेली कुंभथु था, जिसने उन्हें फिल्म उद्योग में प्रवेश करने में मदद की। दिलीप ने 1980 के दशक में एक मिमिक्री कलाकार के रूप में काम करते हुए लकला भवन में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने एशियानेट की कॉमेडी शो कॉर्मिकोला में भी अभिनय किया। बाद में कमल के सहायक निर्देशक के रूप में काम करते हुए उन्होंने कुछ छोटी भूमिकाओं में अभिनय किया, जिसकी शुरुआत कमल की एरनुडु इस्टम कुदामो 1992 में एक छोटे रूसी से हुई। कमल ने कई निर्देशकों को उनके नाम की सिफारिश की। उन्होंने मनाथी कुटारम 1994 में भूमिका दिलीप के नाम को अपने स्क्रीन नाम के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया। 1996 को दो फिल्मों में कमल की पूजा युम की कदनू और सुंदर दास की सल्पम की सफलता ने मलयालम फिल्म उद्योग में उनकी जगह पक्की कर दी। उन्होंने आई बी शशि की परना पकीटू 1997 में सहायक भूमिका निभाई। 1998 में पंजाबी हाउस ने सफल दिलीप हरिश्री अशोकन कंबो की शुरुआत की कि ए परकुम माथालिका 21 और कुबेरन 22 बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफल है और उनकी करियर की 203 फिल्में मानी जाती है। 22 में उन्हें फिल्म कुंजी कुनन में कुंजन की भूमिका निभाने के लिए केरल राज्य फिल्म विशेष ज्यूरी पुरस्कार जीता। लाल जोश की मिसा माघवन 22 में दिलीप ने चोर माघवन की भूमिका निभाई। यह फिल्म जिसने एक पंथ विकसित किया उनकी करियर में एक बड़ी सफलता थी, क्योंकि इसने मलयालम सिनेमा में दिलीप की स्टारडम को एक नए स्तर पर बढ़ा दिया। उसी वर्ष उन्होंने राज्यम के साथ तमिल सिनेमा में भी डेब्यू किया। सी आई डी मूसा 23 जानी एथोनी की एक स्लैप सीटक कॉमेडी कई प्रशंसकों की तरह दिलीप की करियर की 37 फिल्मों से एक मानी जाती है। 24 में उन्होंने टीवी चंद्रन की कगवेशन का निर्माण और अभिनय किया। उन्होंने चंटू पुटू 25 में अपने प्रदर्शन के लिए विशेष उल्लेख जीता। दिलीप ने एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स AMA के लिए धन जुटाने के लिए सो जोशी की तरह निर्देशित 22-28 का निर्माण किया। यह फिल्म उस समय तक सबसे अधिक कमाई करने वाली मलयालम फिल्म 31.4 करोड़ बन गई। उन्होंने मलारवाड़ी ऑर्टर्स क्लब के साथ प्रोडक्शन में कदम रखा। कार्यस्थान उनकी 100वीं फिल्म थी। वेलारी प्रवीणी चंगथे 2011 में उनकी भूमिका के लिए उन्होंने 37। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप राघवन की फैन हो और पावी कैरेक्टर टैकर मूवी को देखना पसंद करती हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहती हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। पावी कैरेक्टर 22-4 की भारतीय मलयालम भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जो विनीत कुमार की तरह निर्देशित और राजेश राघवन की तरह लिखी है। इसका निर्माण दिलीप ने ग्रैंड प्रोडक्शन के माध्यम से किया था और इसमें उन्होंने शौर्य शीर्षक भूमिका निभाई थी। इसमें विनीत जानी एंटनी राधिका सार्थक कुमार और धर्मजन बोलघट्टी भी है। इसे 26 अप्रैल 22-4 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और इसे समीक्षकों से मिली जुली की सकारात्मक समीक्षा मिली। पवी केरल की एक ये आवासीय अपार्टमेंट में केयर टेकर है। एक अविवाहित की देखभाल करता का जीवन तब बदल जाता है जब एक केयर टेकर के लिए ही दोनों की अप्रत्याशित बंधन बनाता है, जिसे जीवन की चुनौतियों के बीच
एक की आवाज से परिसर में उसकी नियमित आशी तत्वों में खुशी जुड़ जाती है। पावी अपना अधिकांश समय इमारत में बिता रहे अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए अक्सर रात की सुरक्षा ड्यूटी सहित डबल शिफ्ट में काम करते हैं। कई मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों में आम चिड़चिड़ाकर दोनों के समीक्षाओं के लिए ही ड्यूटी को सुधारने के लिए आम चिड़चिड़ा व्यवहार उसके अंदर भी सामने है और वह बेहद नासमझ है और मानता है कि दुनिया उसकी चारों ओर घूमती है और इमारत एक गुस्से स्वभाव वाला पावी अपने पालतू कुत्ते भाई और अपने किराए के घर में सतवाना पाता है जहाँ वह दिन के समय सोता है। इस बीच घर की मालिक प्रूफ पुलिसकर्मी परियम्मा राधिका सरता कुमार अपनी शुरुआती अप्रतियों के बावजूद सिंक्स मंजिल के एक हिस्से को किराए पर देने का फैसला करती है जहाँ पावी रहती है। पावी जो अपनी राह की पाली को काम के कारण इस व्यक्ति से कभी नहीं मिली। मरियम्मा से पता चला कि किराएदार का एक महिला है और वह धीरे धीरे उनकी साक्षात टेबल पर छोड़े गए नोटिस के माध्यम से उसके साथ स्वाद करना शुरू कर दी थी। अंत उसके लिए भावनाएं विकसित होती है। हालांकि वह गलत फॉर्मी के कारण महिला अचानक बाहर चली जाती है जिससे पावी का दिल टूट जाता है और उसके काम के प्रदर्शन पर असर पड़ता है जो पहले त्रुटिहीन तरीके से किया गया था। क्या वो फिर भी कभी मिलेंगे? ये फिल्म का शेष हिस्सा है। पावी कैरेक्टर 26 अप्रैल 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। रिलीज से पहले दिलीप ने मोहनलाल होशी टंग टीवी शो बिग बॉस सीजन 6 पर फिल्म का प्रचार किया। उन्होंने 47वें दिन बिग बॉस हाउस में प्रवेश किया, प्रतियोगियों से मुलाकात की और एक प्रेस वार्ता में फिल्म के बारे में विवरण साझा किया। फिल्म का आमतौर पर समीक्षकों और दर्शकों से मिली जुलाई से सकारात्मक समीक्षा में टाइम्स ऑफ इंडिया की आना मैथ्यूज ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और लिखा एक विशिष्ट दिलीप की कॉमेडी। टाइम्स नाउ इंटरटेनमेंट डेस्क ने ये हार्ड कोडर दिलीप की शोकेस दैट इंटर टेंस की लिखा और 5 में से 3 5 रेटिंग दी। लेसमेन रिव्यूज की आविन भरराज ने लिखा मुख्य विषय का वैज्ञापन विलक्षण शैली की रहस्य की तरह कुर्ता प्रयोग की दुरुपयोग किया जाता है और आपको जो मिलता है वह एक पुरानी और अनारी फिल्म है जो वास्तविक हास्य खोजने के लिए संघर्ष करती है और अनुशंसित नहीं निर्णय दिया। हिंदुस्तान टाइम्स की लता श्रीनिवासन ने लिखा है कि यह दिलीप के लिए उन कहानियों के बारे में सोचने का समय है जो उन्हें अपने समकालीनों की श्रेणी में ला सकती है जो समीक्षकों को पार कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की आनंदू सुरेश ने 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा विनीत कुमार की दिलीप के लिए ही अभिनीत फिल्म साबित करती है कि अभिनेता और फिल्म निर्माता दोनों को विटिन दिलीप को पुनर्जीवित करने का प्रयास बंद कर देना चाहिए और इसके बजाय कुछ नया बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सिनेमा एक्सप्रेस की विवेक संतोष ने 5 में से 50 रेटिंग दी और लिखा किसी ऐसे व्यक्ति की लिए जिसने पहले 22 की 37 फिल्मों से एक डियर फ्रेंड का निर्देशन किया था। पावी केयर टेकर एक फिल्म निर्माता के रूप में विनीत कुमार के लिए एक गंभीर गिरावट है। OTT प्ले की गायत्री कृष्णा ने 2.55 की रेटिंग दी और लिखा निर्देशन विनीत कुमार का प्रिय पुराने स्कूल की दिलीप को वापस लाने का प्रयास अधिकांश भाग के लिए एक नीरस और लंबी कहानी के कारण विफल होगी। नाउरनी के आर राजेश ने लिखा दिलीप इस औसत दर्जे की रोमांटिक ड्रामा में अपेक्षाकृत लचीले मोड़ में दिखाई देते जो एक और दिलचस्प प्रेम संबंध की माध्यम से अच्छा महसूस कराता है और 2.5 की रेटिंग दी। लोकसभा चुनाव के कारण शुरुआत दिनों में फिल्म के बहुत कम शो होने के बावजूद फिल्म केरल से 1.12 करोड़ का कलेक्शन करने में सफल है जिसे और उसे अच्छी शुरुआत मिली।
दिलीप का जन्म 27 अक्टूबर 1967 को भारत की केरल को एर्नाकुलम जिले की इडवाना कड़ा में 55 प्लाई और सरोजम के यहाँ हुआ था। वह 3 बच्चों में सबसे बड़े हैं। उनका एक भाई अनूप और एक बहन साबिता है। दिलीप ने अलवा में विद्याधिराज विद्या भवन हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की, जहाँ उन्होंने 1985 में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की और 1986-87 के दौरान प्री डिग्री तीसरे समूह के लिए यूनियन क्रिएशन कॉलेज अलवा में शामिल हो गए। बाद में उन्होंने महाराजा कॉलेज एर्नाकुलम से इतिहास में डिग्री हासिल की। महाराजा कॉलेज में अपने समय के दौरान उन्होंने प्रभावादी कृतियों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। दिलीप ने अपने दोस्त नादिर शाह के साथ ओनम आधारित ऑडियो कैसेट का निर्माण और प्रदर्शन किया, जिसका शीर्ष डी मावेली कुंभथु था, जिसने उन्हें फिल्म उद्योग में प्रवेश करने में मदद की। दिलीप ने 1980 के दशक में एक मिमिक्री कलाकार के रूप में काम करते हुए लकला भवन में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने एशियानेट की कॉमेडी शो कॉर्मिकोला में भी अभिनय किया। बाद में कमल के सहायक निर्देशक के रूप में काम करते हुए उन्होंने कुछ छोटी भूमिकाओं में अभिनय किया, जिसकी शुरुआत कमल की एर्नुडू इस्टम कुदामो 1992 में एक छोटे रूसी से हुई। कमल ने कई निर्देशकों को उनके नाम की सिफारिश की। उन्होंने मनाथी कुटारम 1994 में भूमिका दिलीप के नाम को अपने स्क्रीन नाम के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया। 1996 को 2 फिल्मों में कमल की पूजा, युम की कदनू और सुंदर दास की सल्पम की सफलता ने मलयालम फिल्म उद्योग में उनकी जगह पक्की कर दी। उन्होंने आईवी शशि की परना पकेटू 1997 में सहायक भूमिका निभाई। 1998 में पंजाबी हाउस ने सफल दिलीप हरिश्री अशोकन कंबो की शुरुआत की। ए परकुम माथालिका 21 और कुबेरन 22 बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफल है और उनकी करियर की 203 फिल्में मानी जाती है। 22 में उन्हें फिल्म कुंजी कुनन में कुंजन की भूमिका निभाने के लिए केरल राज्य फिल्म विशेष ज्यूरी पुरस्कार जीता। लाल जोश की मिसा माघवन 22 में दिलीप ने चोर माघवन की भूमिका निभाई। यह फिल्म जिसने एक पंथ विकसित किया उनकी करियर में एक बड़ी सफलता थी, क्योंकि इसने मलयालम सिनेमा में दिलीप की स्टारडम को एक नए स्तर पर बढ़ा दिया। उसी वर्ष उन्होंने राजियम के साथ तमिल सिनेमा में भी डेब्यू किया। सी आई डी मूसा 23 जानी एथोनी की एक स्लैप सीटक कॉमेडी कई प्रशंसकों की तरह दिलीप की करियर की 37 फिल्मों से एक मानी जाती है। 24 में उन्होंने टीवी चंद्रन की कगवेशन का निर्माण और अभिनय किया। उन्होंने चंटू पुटू 25 में अपने प्रदर्शन के लिए विशेष उल्लेख जीता। दिलीप ने एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स AMA के लिए धन जुटाने के लिए सोज जोशी की तरह निर्देशित 22-28 का निर्माण किया। यह फिल्म उस समय तक सबसे अधिक कमाई करने वाली मलयालम फिल्म 31 करोड़ बन गई। उन्होंने मलारवाड़ी ऑर्टर्स क्लब के साथ प्रोडक्शन में कदम रखा। कार्यस्थान उनकी 100वीं फिल्म थी। वेलारी प्रवीणी चंगथी 2011 में उनकी भूमिका के लिए उन्होंने 37। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप राघवन की फैन हो और पावी कैरेक्टर टैकर मूवी को देखना पसंद करती हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहती हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। पावी कैरेक्टर 22-4 की भारतीय मलयालम भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जो विनीत कुमार की तरह निर्देशित और राजेश राघवन की तरह लिखी है। इसका निर्माण दिलीप ने ग्रैंड प्रोडक्शन के माध्यम से किया था और इसमें उन्होंने शौर्य शीर्षक भूमिका निभाई थी। इसमें विनीत जानी एंटनी राधिका सार्थक कुमार और धर्मजन बोलघट्टी भी है। इसे 26 अप्रैल 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और इसे समीक्षकों से मिली जुली की सकारात्मक समीक्षा मिली।
बॉबी केरल की एक ये आवासीय अपार्टमेंट में केयर टेकर है। एक अविवाहित की देखभाल करता का जीवन तब बदल जाता है जब एक केयर टेकर के लिए ही दोनों की अप्रत्याशित बंधन बनाता है, जिसे जीवन की चुनौतियों के बीच एक ही आवासीय परिसर में उसकी नियमित आशीष तत्वों में खुशी जुड़ जाती है। पावी अपना अधिकांश समय इमारत में बिता रहे अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए अक्सर रात की सुरक्षा ड्यूटी सहित डबल शिफ्ट में काम करते हैं। कई मध्यम आयु वर्ग की पुरुषों में आम चिड़चिड़ाकर दोनों के समीक्षाओं के लिए ही ड्यूटी को सुधारने के लिए आम चिड़चिड़ा व्यवहार उसके अंदर भी सामने है और वह बेहद नासमझ है और मानता है कि दुनिया उसकी चारों ओर घूमती है और इमारत एक गुस्से स्वभाव वाला पावी अपने पालतू कुत्ते भाई और अपने किराए के घर में सतवाना पाता है जहाँ वह दिन के समय सोता है। इस बीच घर की मालिक प्रूफ पुलिसकर्मी परियम्मा राधिका सत कुमार अपनी शुरुआती अप्रतियों के बावजूद सेक्स मंजिल के एक हिस्से को किराए पर देने का फैसला करती है जहाँ पावी रहती है। पावी जो अपनी रात की पाली को काम के कारण इस व्यक्ति से कभी नहीं मिली। मरियम्मा से पता चला कि किराएदार का एक महिला है और वह धीरे धीरे उनकी साक्षात टेबल पर छोड़े गए नोटिस के माध्यम से उसके साथ स्वाद करना शुरू कर देते। अंत उसके लिए भावनाएं विकसित होती है। हालांकि वह गलत फॉर्मी के कारण महिला अचानक बाहर चली जाती है जिससे पावी का दिल टूट जाता है और उसके काम के प्रदर्शन पर असर पड़ता है जो पहले त्रुटिहीन तरीके से किया गया था। क्या वो फिर भी कभी मिलेंगे? ये फिल्म का शेष हिस्सा है। पावी कैरेक्टर 26 अप्रैल 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। रिलीज से पहले दिलीप ने मोहनलाल होशी टंग टीवी शो बिग बॉस सीजन 6 पर फिल्म का प्रचार किया। उन्होंने 47वें दिन बिग बॉस हाउस में प्रवेश किया, प्रतियोगियों से मुलाकात की और एक प्रेस वार्ता में फिल्म के बारे में विवरण साझा किया। फिल्म का आमतौर पर समीक्षकों और दर्शकों से मिली जुली से सकारात्मक समीक्षा में टाइम्स ऑफ इंडिया की आना मैथ्यूज ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और लिखा एक विशिष्ट दिलीप की कॉमेडी। टाइम्स नाउ इंटरटेनमेंट डेस्क ने ये हार्ड कोडर दिलीप की शोकेस दैट इंटर टेंस की लिखा और 5 में से 3.5 रेटिंग दी। लेसमेन रिव्यूज की आविन भरदाज ने लिखा मुख्य विषय का वैज्ञापन विलक्षण शैली की रहस्य की तरह कुर्ता प्रयोग की दुरुपयोग किया जाता है और आपको जो मिलता है वह एक पुरानी और अनारी फिल्म है जो वास्तविक हास्य खोजने के लिए संघर्ष करती है और अनुशंसित नहीं निर्णय दिया। हिंदुस्तान टाइम्स की लता श्रीनिवासन ने लिखा है कि यह दिलीप के लिए उन कहानियों के बारे में सोचने का समय है जो उन्हें अपने समकालीनों की श्रेणी में ला सकती है जो समीक्षकों को पार कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की आनंदू सुरेश ने 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा विनीत कुमार की दिलीप के लिए ही अभिनीत फिल्म साबित करती है कि अभिनेता और फिल्म निर्माता दोनों को विटिन दिलीप को पुनर्जीवित करने का प्रयास बंद कर देना चाहिए और इसके बजाय कुछ नया बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सिनेमा एक्सप्रेस की विवेक संतोष ने 5 में से 50 रेटिंग दी और लिखा किसी ऐसे व्यक्ति की लिए जिसने पहले 22 की 37 फिल्मों से एक डियर फ्रेंड का निर्देशन किया था। पावी केयर टेकर एक फिल्म निर्माता के रूप में विनीत कुमार के लिए एक गंभीर गिरावट है। OTT प्ले की गायत्री कृष्णा ने 2.55 की रेटिंग दी और लिखा निर्देशन विनीत कुमार का प्रिय पुराने स्कूल की दिलीप को वापस लाने का प्रयास अधिकांश भाग के लिए एक नीरस और लंबी कहानी के कारण विफल होगी। नाउर्नी के आर राजेश ने लिखा दिलीप इस औसत दर्जे की रोमांटिक ड्रामा में अपेक्षाकृत लचीले मोड़ में दिखाई देते जो एक और दिलचस्प प्रेम संबंध की माध्यम से अच्छा महसूस कराता है
और 2.5 की रेटिंग दी। लोकसभा चुनाव के कारण शुरुआत दिनों में फिल्म के बहुत कम शो होने के बावजूद फिल्म केरल से 112 करोड़ का कलेक्शन करने में सफल है, जिसे और उसे अच्छी शुरुआत मिली। दिलीप का जन्म 27 अक्टूबर 1967 को भारत की केरल को एर्नाकुलम जिले की एडवनाकडा में 55 प्लाई और सरोजम के यहाँ हुआ था। वह 3 बच्चों में सबसे बड़े हैं। उनका एक भाई अनूप और एक बहन साबिता है। दिलीप ने अलवा में विद्याधिराज विद्या भवन हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की, जहाँ उन्होंने 1985 में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की और 1985-1986-1987 के दौरान प्री डिग्री तीसरे समूह के लिए यूनियन क्रिएशन कॉलेज अलवा में शामिल हो गए। बाद में उन्होंने महाराजा कॉलेज एर्नाकुलम से इतिहास में डिग्री हासिल की। महाराजा कॉलेज में अपने समय के दौरान उन्होंने प्रभावादी कृतियों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। दिलीप ने अपने दोस्त नादिर शाह के साथ ओनम आधारित ऑडियो कैसेट का निर्माण और प्रदर्शन किया, जिसका शीर्ष डी मावेली कोम्बथु था, जिसने उन्हें फिल्म उद्योग में प्रवेश करने में मदद की। दिलीप ने 1980 के दशक में एक मिमिक्री कलाकार के रूप में काम करते हुए लकला भवन में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने एशियानेट की कॉमेडी शो कॉर्मिकोला में भी अभिनय किया। बाद में कमल के सहायक निर्देशक के रूप में काम करते हुए उन्होंने कुछ छोटी भूमिकाओं में अभिनय किया, जिसकी शुरुआत कमल की एरनुडु इस्टम कुदामो 1992 में एक छोटे रूसी से हुई। कमल ने कई निर्देशकों को उनके नाम की सिफारिश की। उन्होंने मनाथे कुटारम 1994 में भूमिका दिलीप के नाम को अपने स्क्रीन नाम के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया। 1996 को 2 फिल्मों में कमल की पूजा, युम की कदनू और सुंदर दास की सल्पम की सफलता ने मलयालम फिल्म उद्योग में उनकी जगह पक्की कर दी। उन्होंने आईबी शशि की परना पकेटू 1997 में सहायक भूमिका निभाई। 1998 में पंजाबी हाउस ने सफल दिलीप हरिश्री अशोकन कंबो की शुरुआत की। ई परकुम माथालिका 21 और कुबेरन 22 बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफल है और उनकी करियर की 263 फिल्में मानी जाती है। 22 में उन्हें फिल्म कुंजी कुनन में कुंजन की भूमिका निभाने के लिए केरल राज्य फिल्म विशेष ज्यूरी पुरस्कार जीता। लाल जोश की मिसा माघवन 22 में दिलीप ने चोर माघवन की भूमिका निभाई। यह फिल्म जिसने एक पंथ विकसित किया उनकी करियर में एक बड़ी सफलता थी, क्योंकि इसने मलयालम सिनेमा में दिलीप की स्टारडम को एक नए स्तर पर बढ़ा दिया। उसी वर्ष उन्होंने राज्यम के साथ तमिल सिनेमा में भी डेब्यू किया। सी आई डी मूसा 23 जानी एथोनी की एक स्लैप सीटक कॉमेडी कई प्रशंसकों की तरह दिलीप की करियर की 37 फिल्मों से एक मानी जाती है। 24 में उन्होंने टीवी चंद्रन की कगवेशन का निर्माण और अभिनय किया। उन्होंने चंटू पुटू 25 में अपने प्रदर्शन के लिए विशेष उल्लेख जीता। दिलीप ने एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स AMA के लिए धन जुटाने के लिए सोज जोशी की तरह निर्देशित 22-28 का निर्माण किया। यह फिल्म उस समय तक सबसे अधिक कमाई करने वाली मलयालम फिल्म 31 करोड़ बन गई। उन्होंने मलारवाड़ी ऑर्टर्स क्लब के साथ प्रोडक्शन में कदम रखा। कार्यस्थान उनकी 100वीं फिल्म थी। वेलारी प्रवीणी चंगथी 2011 में उनकी भूमिका के लिए उन्होंने 37। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप राघवन की फैन हो और पावी कैरेक्टर टैकर मूवी को देखना पसंद करती हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहती हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। पावी कैरेक्टर
24 की भारतीय मलयालम भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जो विनीत कुमार की तरह निर्देशित और राजेश राघवन की तरह लिखी है। इसका निर्माण दिलीप ने ग्रैंड प्रोडक्शन के माध्यम से किया था और इसमें उन्होंने शौर्य शीर्षक भूमिका निभाई थी। इसमें विनीत जानी, एंटनी, राधिका सार्थक कुमार और धर्मजन बोलघट्टी भी है। इसे 26 अप्रैल 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और इसे समीक्षकों से मिली जुली की सकारात्मक समीक्षा मिली। पवी किरण की एक ये आवासीय अपार्टमेंट में केयर टेकर है, एक अविवाहित की देखभाल कर्ता का जीवन तब बदल जाता है जब एक केयर टेकर के लिए ही दोनों की अप्रत्याशित बंधन बनाता है, जिसे जीवन की चुनौतियों के बीच एक ही आवासीय परिसर में उसकी नियमित आशीष तत्वों में खुशी जुड़ जाती है। पावी अपना अधिकांश समय इमारत में बिता रहे अपनी वृत्ति स्थिति को सुधारने के लिए अक्सर रात की सुरक्षा ड्यूटी सहित डबल शिफ्ट में काम करते हैं। कई मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों ने आम चिड़चिड़ाकर दोनों के समीक्षाओं के लिए ही ड्यूटी को सुधारने के लिए आम चिड़चिड़ा व्यवहार उसके अंदर भी सामने है और वह बेहद नासमझ है और मानता है कि दुनिया उसकी चारों ओर घूमती है और इमारत एक गुस्से स्वभाव वाला पावी अपने पालतू कुत्ते भाई और अपने किराए के घर में सतवाना पाता है जहाँ वह दिन के समय सोता है। इस बीच घर की मालिक प्रूफ पुलिसकर्मी परियम्मा राधिका सार्थक कुमार अपनी शुरुआती अप्रतियों के बावजूद सेक्स मंजिल के एक हिस्से को किराए पर देने का फैसला करती है जहाँ पावी रहती है। पावी जो अपनी रात की पाली को काम के कारण इस व्यक्ति से कभी नहीं मिली, मरियम्मा से पता चला कि किराएदार का एक महिला है और वह धीरे धीरे उनकी साक्षात टेबल पर छोड़े गए नोटिस के माध्यम से उसके साथ स्वाद करना शुरू कर देते। अंत उसके लिए भावनाएं विकसित होती है। हालांकि वह गलत फॉर्मी के कारण महिला अचानक बाहर चली जाती है, जिससे पावी का दिल टूट जाता है और उसके काम के प्रदर्शन पर असर पड़ता है जो पहले त्रुटिहीन तरीके से किया गया था। क्या वो फिर भी कभी मिलेंगे? ये फिल्म का शेष हिस्सा है। पावी कैरेक्टर 26 अप्रैल 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। रिलीज से पहले दिलीप ने मोहनलाल होशी टंग टीवी शो बिग बॉस सीजन 6 पर फिल्म का प्रचार किया। उन्होंने 47वें दिन बिग बॉस हाउस में प्रवेश किया, प्रतियोगियों से मुलाकात की और एक प्रेस वार्ता में फिल्म के बारे में विवरण साझा किया। फिल्म का आमतौर पर समीक्षकों और दर्शकों से मिली जुली से सकारात्मक समीक्षा में टाइम्स ऑफ इंडिया की आना मैथ्यूज ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और लिखा एक विशिष्ट दिलीप की कॉमेडी। टाइम्स नाउ एंटरटेनमेंट डेस्क ने ये हार्ड कोडर दिलीप की शोकेस दैट इंटर टेंस की लिखा और 5 में से 3.5 रेटिंग दी। लेसमेन रिव्यूज की आविन भरराज ने लिखा मुख्य विषय का वैज्ञापन विलक्षण शैली की रहस्य की तरह कुर्ता प्रयोग की दुरुपयोग किया जाता है और आपको जो मिलता है वह एक पुरानी और अनारी फिल्म है जो वास्तविक हास्य खोजने के लिए संघर्ष करती है और अनुशंसित नहीं निर्णय दिया। हिंदुस्तान टाइम्स की लता त्रिनिवासन ने लिखा है कि यह दिलीप के लिए उन कहानियों के बारे में सोचने का समय है जो उन्हें अपने समकालीनों की श्रेणी में ला सकती है, जो समीक्षकों को पार कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की आनंदू सुरेश ने 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा विनीत कुमार की दिलीप के लिए ही अभिनीत फिल्म साबित करती है कि अभिनेता और फिल्म निर्माताओं दोनों को विटिन दिलीप को पुनर्जीवित करने का प्रयास बंद कर देना चाहिए और इसके बजाय कुछ नया बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सिनेमा एक्सप्रेस की विवेक संतोष ने 5 में से 50 रेटिंग दी और लिखा किसी ऐसे व्यक्ति की लिए जिसने पहले 22 की 37 फिल्मों से एक डियर फ्रेंड का निर्देशन किया था। पावी केयर टेकर एक फिल्म निर्माता के रूप में विनीत कुमार के लिए एक गंभीर गिरावट है।
OTT प्ले की गायत्री कृष्णा ने 2.55 की रेटिंग दी और लिखा, निर्देशन विनीत कुमार का प्रिय पुराने स्कूल की दिलीप को वापस लाने का प्रयास आधिकारिक भांग के लिए एक नीरस और लंबी कहानी के कारण विफल होगी। नाउर ने के आर राजेश ने लिखा, दिलीप इस औसत दर्जे की रोमांटिक ड्रामा में अपेक्षाकृत लचीले मोड़ में दिखाई देते, जो एक और दिलचस्प प्रेम संबंध के माध्यम से अच्छा महसूस कराता है। और 2.5 की रेटिंग दी। लोकसभा चुनाव के कारण शुरुआत दिनों में फिल्म के बहुत कम शो होने के बावजूद फिल्म केरल से 1.12 करोड़ का कलेक्शन करने में सफल है, जिसे और उसे अच्छी शुरुआत मिली। दिलीप का जन्म 27 अक्टूबर 1967 को भारत की केरल को एर्नाकुलम जिले की एडवाना कड़ा में 55 प्लाई और सरोजम के यहाँ हुआ था। वह 3 बच्चों में सबसे बड़े हैं। उनका एक भाई अनूप और एक बहन साबिता है। दिलीप ने अलवा में विद्याधिराज विद्या भवन हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की, जहाँ उन्होंने 1985 में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की और 1985-1986-7 के दौरान प्री डिग्री तीसरे समूह के लिए यूनियन क्रिएशन कॉलेज अलवा में शामिल हो गए। बाद में उन्होंने महाराजा कॉलेज एर्नाकुलम से इतिहास में डिग्री हासिल की। महाराजा कॉलेज में अपने समय के दौरान उन्होंने प्रभावादी कृतियों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। दिलीप ने अपने दोस्त नादिर शाह के साथ ओनम आधारित ऑडियो कैसेट का निर्माण और प्रदर्शन किया, जिसका शीर्ष डी मावेली कोम्बथू था, जिसने उन्हें फिल्म उद्योग में प्रवेश करने में मदद की। दिलीप ने 1980 के दशक में एक मिमिक्री कलाकार के रूप में काम करते हुए लकला भवन में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने एशियानेट की कॉमेडी शो कॉर्मिकोला में भी अभिनय किया। बाद में कमल के सहायक निर्देशक के रूप में काम करते हुए उन्होंने कुछ छोटी भूमिकाओं में अभिनय किया, जिसकी शुरुआत कमल की एरनुडु इस्टम कुदामो 1992 में एक छोटे रूसी से हुई। कमल ने कई निर्देशकों को उनके नाम की सिफारिश की। उन्होंने मनाथे कुटारम 1994 में भूमिका दिलीप के नाम को अपने स्क्रीन नाम के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया। 1996 को 2 फिल्मों में कमल की पूजा युम की कदनू और सुंदर दास की सल्पम की सफलता ने मलयालम फिल्म उद्योग में उनकी जगह पक्की कर दी। उन्होंने IV शशि की परना पकेटू 1997 में सहायक भूमिका निभाई। 1998 में पंजाबी हाउस ने सफल दिलीप हरिश्री अशोकन कंबो की शुरुआत की ई परकुम माथालिका 21 और कुबेरन 22 बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफल है और उनकी करियर की 203 फिल्में मानी जाती है। 22 में उन्हें फिल्म कुंजी कुनन में कुंजन की भूमिका निभाने के लिए केरल राज्य फिल्म विशेष ज्यूरी पुरस्कार जीता। लाल जोश की मिसा माघवन 22 में दिलीप ने चोर माघवन की भूमिका निभाई। यह फिल्म जिसने एक पंथ विकसित किया उनकी करियर में एक बड़ी सफलता थी, क्योंकि इसने मलयालम सिनेमा में दिलीप की स्टारडम को एक नए स्तर पर बढ़ा दिया। उसी वर्ष उन्होंने राज्यम के साथ तमिल सिनेमा में भी डेब्यू किया। CID मूसा 23 जानी एथोनी की एक स्लैप सीटक कॉमेडी कई प्रशंसकों की तरह दिलीप की करियर की 37 फिल्मों से एक मानी जाती है। 24 में उन्होंने TV चंद्रन की कगवेशन का निर्माण और अभिनय किया। उन्होंने चंटू पुटू 25 में अपने प्रदर्शन के लिए विशेष उल्लेख जीता। दिलीप ने एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स AMA के लिए धन जुटाने के लिए सोज जोशी की तरह निर्देशित 22-28 का निर्माण किया। यह फिल्म उस समय तक सबसे अधिक कमाई करने वाली मलयालम फिल्म 31.4 करोड़ बन गई। उन्होंने मलारवाड़ी ऑर्टर्स क्लब के साथ प्रोडक्शन में कदम रखा। कार्यस्थान उनकी 100वीं फिल्म थी। वेलारी प्रवीणी चंगथे 20 इलाम में उनकी भूमिका के लिए उन्होंने 37। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप राघवन की फैन हो और पावी कैरेक्ट
टैकर मूवी को देखना पसंद करती हूँ और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहती हूँ तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। पावी कैरेक्टर 224 की भारतीय मलयालम भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो विनीत कुमार की तरह निर्देशित और राजेश राघवन की तरह लिखी है। इसका निर्माण दिलीप ने ग्रैंड प्रोडक्शन के माध्यम से किया था और इसमें उन्होंने शौर्य शीर्षक भूमिका निभाई थी। इसमें विनीत जानी एंटनी राधिका सार्थक कुमार और धर्मजन बोलघट्टी भी है। इसे 26 अप्रैल 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और इसे समीक्षकों से मिली जुली की सकारात्मक समीक्षा मिली। पवी किरण की एक ये आवासीय अपार्टमेंट में केयर टेकर है। एक अविवाहित की देखभाल कर्ता का जीवन तब बदल जाता है जब एक केयर टेकर के लिए ही दोनों की अप्रत्याशित बंधन बनाता है जिसे जीवन की चुनौतियों के बीच एक ही आवासीय परिसर में उसकी नियमित आशीष तत्वों में खुशी जुड़ जाती है। पावी अपना अधिकांश समय इमारत में बिता रहे अपनी वृत्ति स्थिति को सुधारने के लिए अक्सर रात की सुरक्षा ड्यूटी सहित डबल शिफ्ट में काम करते हैं। कई मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों में आम चिड़चिड़ाकर दोनों के समीक्षाओं के लिए ही ड्यूटी को सुधारने के लिए आम चिड़चिड़ा व्यवहार उसके अंदर भी सामने है और वह बेहद नासमझ है और मानता है कि दुनिया उसकी चारों ओर घूमती है और इमारत एक गुस्से स्वभाव वाला पावी अपने पालतू कुत्ते भाई और अपने किराए के घर में सतवाना पाता है जहाँ वह दिन के समय सोता है। इस बीच घर की मालिक प्रूफ पुलिसकर्मी परियम्मा राधिका सरथा कुमार अपनी शुरुआती अप्रतियों के बावजूद सेक्स मंजिल के एक हिस्से को किराए पर देने का फैसला करती है जहाँ पावी रहती है। पावी जो अपनी रात की पाली को काम के कारण इस व्यक्ति से कभी नहीं मिली। मरियम्मा से पता चला कि किराएदार का एक महिला है और वह धीरे धीरे उनकी साक्षात टेबल पर छोड़े गए नोटिस के माध्यम से उसके साथ स्वाद करना शुरू कर देते। अंत उसके लिए भावनाएं विकसित होती है। हालांकि वह गलत फॉर्मी के कारण महिला अचानक बाहर चली जाती है जिससे पावी का दिल टूट जाता है और उसके काम के प्रदर्शन पर असर पड़ता है जो पहले त्रुटिहीन तरीके से किया गया था। क्या वो फिर भी कभी मिलेंगे? ये फिल्म का शेष हिस्सा है। पावी कैरेक्टर 26 अप्रैल 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। रिलीज से पहले दिलीप ने मोहनलाल होशी टंग टीवी शो बिग बॉस सीजन 6 पर फिल्म का प्रचार किया। उन्होंने 47वें दिन बिग बॉस हाउस में प्रवेश किया, प्रतियोगियों से मुलाकात की और एक प्रेस वार्ता में फिल्म के बारे में विवरण साझा किया। फिल्म का आमतौर पर समीक्षकों और दर्शकों से मिली जुली से सकारात्मक समीक्षा में टाइम्स ऑफ इंडिया की आना मैथ्यूज ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और लिखा एक विशिष्ट दिलीप की कॉमेडी। टाइम्स नाउ इंटरटेनमेंट डेस्क ने ए हार्ड कोडर दिलीप की शोकेस दैट इंटरटेन्स की लिखा और 5 में से 3.5 रेटिंग दी। लेसमैन रिव्यूज की आविन भरराज ने लिखा मुख्य विषय का वैज्ञ प्रून विलक्षण शैली की रहस्य की तरह कुर्ता प्रयोग की दुरुपयोग किया जाता है और आपको जो मिलता है वह एक पुरानी और अनारी फिल्म है जो वास्तविक हास्य खोजने के लिए संघर्ष करती है और अनुशंसित नहीं निर्णय दिया। हिंदुस्तान टाइम्स की लता श्रीनिवासन ने लिखा है कि यह दिलीप के लिए उन कहानियों के बारे में सोचने का समय है जो उन्हें अपने समकालीनों की श्रेणी में ला सकती है जो समीक्षकों को पार कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की आनंदू सुरेश ने 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा विनीत कुमार की दिलीप के लिए ही अभिनीत फिल्म साबित करती है कि अभिनेता और फिल्म निर्माताओं दोनों को विटिन दिलीप को पुनर्जीवित करने का प्रयास बंद कर देना चाहिए और इसके बजाय कुछ नया बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सिनेमा एक्सप्रेस की विवेक संतोष ने 5 में से 50 रेटिंग दी और लिखा किसी ऐसे व्यक्ति की
लिए जिसने पहले 22 की 37 फिल्मों से एक डियर फ्रेंड का निर्देशन किया था। पावी केयर टेकर एक फिल्म निर्माता के रूप में विनीत कुमार के लिए एक गंभीर गिरावट है। OTT प्ले की गायत्री कृष्णा ने 2.55 की रेटिंग दी और लिखा, निर्देशन विनीत कुमार का प्रिय पुराने स्कूल की दिलीप को वापस लाने का प्रयास आधिकारिक भाग के लिए एक नीरस और लंबी कहानी के कारण विफल होगी। नाउर्गनी के आर राजेश ने लिखा, दिलीप इस औसत दर्जे की रोमांटिक ड्रामा में अपेक्षाकृत लचीले मोड़ में दिखाई देते, जो एक और दिलचस्प प्रेम संबंध के माध्यम से अच्छा महसूस कराता है। और 2.5 की रेटिंग दी। लोकसभा चुनाव के कारण शुरुआत दिनों में फिल्म के बहुत कम शो होने के बावजूद फिल्म केरल से 1.12 करोड़ का कलेक्शन करने में सफल है, जिसे और उसे अच्छी शुरुआत मिली। दिलीप का जन्म 27 अक्टूबर 1967 को भारत की केरल को एर्नाकुलम जिले की एडवाना कड़ा में 55 प्लाई और सरोजम के यहाँ हुआ था। वह 3 बच्चों में सबसे बड़े हैं। उनका एक भाई अनूप और एक बहन साबिता है। दिलीप ने अलवा में विधाधीराज विधा भवन हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की, जहाँ उन्होंने 1985 में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की और 1985-1986-7 के दौरान प्री डिग्री तीसरे समूह के लिए यूनियन क्रिएशन कॉलेज अलवा में शामिल हो गए। बाद में उन्होंने महाराजा कॉलेज एर्नाकुलम से इतिहास में डिग्री हासिल की। महाराजा कॉलेज में अपने समय के दौरान उन्होंने प्रभावादी कृतियों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। दिलीप ने अपने दोस्त नादिर शाह के साथ ओनम आधारित ऑडियो कैसेट का निर्माण और प्रदर्शन किया, जिसका शीर्ष डी मावेली कोम्बथू था, जिसने उन्हें फिल्म उद्योग में प्रवेश करने में मदद की। दिलीप ने 1980 के दशक में एक मिमिक्री कलाकार के रूप में काम करते हुए लकला भवन में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने एशियानेट की कॉमेडी शो कॉर्मिकोला में भी अभिनय किया। बाद में कमल के सहायक निर्देशक के रूप में काम करते हुए उन्होंने कुछ छोटी भूमिकाओं में अभिनय किया, जिसकी शुरुआत कमल की एरनुडु इस्टम कुदामो 1992 में एक छोटे रूसी से हुई। कमल ने कई निर्देशकों को उनके नाम की सिफारिश की। उन्होंने मनाथी कुटारम 1994 में भूमिका दिलीप के नाम को अपने स्क्रीन नाम के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया। 1996 को 2 फिल्मों में कमल की पूजा, युम की कदनू और सुंदर दास की सल्पम की सफलता ने मलयालम फिल्म उद्योग में उनकी जगह पक्की कर दी। उन्होंने IV शशि की परना पकेटू 1997 में सहायक भूमिका निभाई। 1998 में पंजाबी हाउस ने सफल दिलीप हरिश्री अशोकन कंबो की शुरुआत की। ई परकुम माथालिका 21 और कुबेरन 22 बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफल है और उनकी करियर की 203 फिल्में मानी जाती है। 22 में उन्हें फिल्म कुंजी कुनन में कुंजन की भूमिका निभाने के लिए केरल राज्य फिल्म विशेष ज्यूरी पुरस्कार जीता। लाल जोश की मिसा माघवन 22 में दिलीप ने चोर माघवन की भूमिका निभाई। यह फिल्म जिसने एक पंथ विकसित किया उनकी करियर में एक बड़ी सफलता थी, क्योंकि इसने मलयालम सिनेमा में दिलीप की स्टारडम को एक नए स्तर पर बढ़ा दिया। उसी वर्ष उन्होंने राज्यम के साथ तमिल सिनेमा में भी डेब्यू किया। CID मूसा 23 जानी एथोनी की एक स्लैप सीटक कॉमेडी कई प्रशंसकों की तरह दिलीप की करियर की 37 फिल्मों से एक मानी जाती है। 24 में उन्होंने TV चंद्रन की कगवेशन का निर्माण और अभिनय किया। उन्होंने चंटू पुटू 25 में अपने प्रदर्शन के लिए विशेष उल्लेख जीता। दिलीप ने एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स AMA के लिए धन जुटाने के लिए सोज जोशी की तरह निर्देशित 22-28 का निर्माण किया। यह फिल्म उस समय तक सबसे अधिक कमाई करने वाली मलयालम फिल्म
31.4 करोड़ बन गई। उन्होंने मलारवाड़ी ऑटर्स क्लब के साथ पुरकसर में कदम रखा। कार्यस्थान उनकी 100वीं फिल्म थी विलारी प्रविंडी चंगते 20 इलार में। उनकी भूमिका के लिए उन्होंने 103। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप राघवन की फैन हो और पावी कैरेक्टर पर मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। पावी कैरेक्टर 24 की भारतीय मलयालम भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो विनीत कुमार की तरह निर्देशित और राजेश राघवन की तरह लिखी है। इसका निर्माण दिलीप ने ग्रैंड प्रोडक्शन के माध्यम से किया था और इसमें उन्होंने शौर्य शीर्षक भूमिका निभाई थी। इसमें विनीत जानी एंटनी राधिका सार्थक कुमार और धर्मजन बोलगट्टी भी है। इसे 26 अप्रैल 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और इसे समीक्षकों से मिली जुली की सकारात्मक समीक्षा मिली। पावी केरल की एक ये आवासीय अपार्टमेंट में केयर टेकर है। एक अविवाहित की देखभाल करता का जीवन तब बदल जाता है जब एक केयर टेकर के लिए ही दोनों की अप्रत्याशित बंधन बनाता है जिसे जीवन की चुनौतियों के बीच एक ही आवासीय परिसर में उसकी नियमित आशीष तत्वों में खुशी जुड़ जाती है। पावी अपना अधिकांश समय इमारत में बिता रहे अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए अक्सर रात की सुरक्षा ड्यूटी साइड डबल शिफ्ट में काम करते हैं। कई मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों ने आम चिड़चिड़ाकर दोनों के समीक्षकों के लिए ही ड्यूटी को सुधारने के लिए आम चिड़चिड़ा व्यवहार उसके अंदर भी सामने है और वह बेहद नासमझ है और मानता है कि दुनिया उसकी चारों ओर घूमती है और इमारत एक गुस्सा स्वभाव वाला। पावी अपने पालतू कुत्ते भाई और अपने किराए के घर में सतवाना पाता है जहाँ वह दिन के समय सोता है। इस बीच घर की मालिक प्रूफ पुलिसकर्मी परियम्मा राधिका सरथा कुमार अपनी शुरुआती अप्रतियों के बावजूद सेक्स मंजिल के एक हिस्से को किराए पर देने का फैसला करती है जहाँ पावी रहती है। पावी जो अपनी रात की पाली को काम के कारण इस व्यक्ति से कभी नहीं मिली, मरियम्मा से पता चला कि किराएदार का एक महिला है और वह धीरे धीरे उनकी साक्षात टेबल पर छोड़े गए नोटिस के माध्यम से उसके साथ स्वाद करना शुरू कर देते। अंत उसके लिए भावनाएं विकसित होती है। हालांकि वह गलत फॉर्मी के कारण महिला अचानक बाहर चली जाती है जिससे पावी का दिल टूट जाता है और उसके काम के प्रदर्शन पर असर पड़ता है जो पहले त्रुटिहीन तरीके से किया गया था। क्या वो फिर भी कभी मिलेंगे, ये फिल्म का शेष हिस्सा है। पावी कैरेक्टर 26 अप्रैल 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। रिलीज से पहले दिलीप ने मोहनलाल होशी टंग टीवी शो बिग बॉस सीजन 6 पर फिल्म का प्रचार किया। उन्होंने 47वें दिन बिग बॉस हाउस में प्रवेश किया, प्रतियोगियों से मुलाकात की और एक प्रेस वार्ता में फिल्म के बारे में विवरण साझा किया। फिल्म का आमतौर पर समीक्षकों और दर्शकों से मिली जुली से सकारात्मक समीक्षा में टाइम्स ऑफ इंडिया की आना मैथ्यूज ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और लिखा एक विशेष दिलीप की कॉमेडी। टाइम्स नाउ इंटरटेनमेंट डेस्क ने ये हार्ड कोडर दिलीप की शोकेस दैट इंटर टेंस की लिखा और 5 में से 3.5 रेटिंग दी। लेसमैन रिव्यूज की आविन भरराज ने लिखा मुख्य विषय का वैज्ञ प्रून विलक्षण शैली की रहस्य की तरह कुर्ता प्रयोग की दुरुपयोग किया जाता है और आपको जो मिलता है वह एक पुरानी और अनारी फिल्म है जो वास्तविक हास्य खोजने के लिए संघर्ष करती है और अनुशंसित नहीं निर्णय दिया। हिंदुस्तान टाइम्स की लता श्रीनिवासन ने लिखा है कि यह दिलीप के लिए उन कहानियों के बारे में सोचने का समय है जो उन्हें अपने समकालीनों की श्रेणी में ला सकती है जो समीक्षकों को पार कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की आनंद सुरेश ने
फाइव में से टू रेटिंग दी अर्लिका। विनीत कुमार का दिलीप के विनीत कुमार की दिलीप के लिए ही अभिनीत फिल्म साबित करती है कि अभिनेता और फिल्म निर्माताओं दोनों को विटेन दिलीप को पुनर्जीवित करने का प्रयास बंद कर देना चाहिए और इसके बजाय कुछ नया बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सिनेमा एक्सप्रेस की विवेक संतोष ने 5 में से 50 रेटिंग दी और लिखा, किसी ऐसे व्यक्ति की लिए जिसने पहले 22 की 37 फिल्मों से एक डियर फ्रेंड का निर्देशन किया था। पावी केयर टेकर एक फिल्म निर्माता के रूप में विनीत कुमार के लिए एक गंभीर गिरावट है। OTT प्ले की गायत्री कृष्णा ने 2.55 की रेटिंग दी और लिखा, निर्देशन विनीत कुमार का प्रिय पुराने स्कूल की दिलीप को वापस लाने का प्रयास आधिकांश भाग के लिए एक नीरस और लंबी कहानी के कारण विफल होगी। नाउर्गनी के आर राजेश ने लिखा, दिलीप इस औसत दर्जे की रोमांटिक ड्रामा में अपेक्षाकृत लचीले मोड़ में दिखाई देते जो एक और दिलचस्प प्रेम संबंध की माध्यम से अच्छा महसूस कराता है। और 2.5 की रेटिंग दी। लोकसभा चुनाव के कारण शुरुआत दिनों में फिल्म के बहुत कम शो होने के बावजूद फिल्म केरल से 1.12 करोड़ का कलेक्शन करने में सफल है जिसे और उसे अच्छी शुरुआत मिली। दिलीप का जन्म 27 अक्टूबर 1967 को भारत की केरल को एर्नाकुलम जिले की एडवाना कड़ा में 55 प्लाई और सरोजम के यहाँ हुआ था। वह 3 बच्चों में सबसे बड़े हैं। उनका एक भाई अनूप और एक बहन साबिता है। दिलीप ने अलवा में विद्याधिराज विद्या भवन हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की जहाँ उन्होंने 1985 में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की और 1985-1986-1987 के दौरान प्री डिग्री तीसरे समूह के लिए यूनियन क्रिएशन कॉलेज अलवा में शामिल हो गए। बाद में उन्होंने महाराजा कॉलेज एर्नाकुलम से इतिहास में डिग्री हासिल की। महाराजा कॉलेज में अपने समय के दौरान उन्होंने प्रभावादी कृतियों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। दिलीप ने अपने दोस्त नादिर शाह के साथ ओनम आधारित ऑडियो कैसेट का निर्माण और प्रदर्शन किया जिसका शीर्ष डी मावेली कोम्बथु था जिसने उन्हें फिल्म उद्योग में प्रवेश करने में मदद की। दिलीप ने 1980 के दशक में एक मिमिक्री कलाकार के रूप में काम करते हुए लकला भवन में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने एशियानेट की कॉमेडी शो कॉर्मिकोला में भी अभिनय किया। बाद में कमल के सहायक निर्देशक के रूप में काम करते हुए उन्होंने कुछ छोटी भूमिकाओं में अभिनय किया जिसकी शुरुआत कमल की एरनुडु इस्टम कुदामो 1992 में एक छोटे रूसी से हुई। कमल ने कई निर्देशकों को उनके नाम की सिफारिश की। उन्होंने मनाथी कुटारम 1994 में भूमिका दिलीप के नाम को अपने स्क्रीन नाम के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया। 1996 को 2 फिल्मों में कमल की पूजा युम की कदनू और सुंदर दास की सल्पम की सफलता ने मलयालम फिल्म उद्योग में उनकी जगह पक्की कर दी। उन्होंने IV शशि की परना पकीटू 1997 में सहायक भूमिका निभाई। 1998 में पंजाबी हाउस ने सफल दिलीप हरिश्री अशोकन कंबो की शुरुआत की। परकुम माथालिका 21 और कुबेरन 22 बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफल है और उनकी करियर की 203 फिल्में मानी जाती है। 22 में उन्हें फिल्म कुंजी कुनन में कुंजन की भूमिका निभाने के लिए केरल राज्य फिल्म विशेष ज्यूरी पुरस्कार जीता। लाल जोश की मिसा माघवन 22 में दिलीप ने चोर माघवन की भूमिका निभाई। यह फिल्म जिसने एक पंत विकसित किया उनकी करियर में एक बड़ी सफलता थी क्योंकि इसने मलयालम सिनेमा में दिलीप की स्टारडम को एक नए स्तर पर बढ़ा दिया। उसी वर्ष उन्होंने राज्यम के साथ तमिल सिनेमा में भी डेब्यू किया। CIDs मूसा 23 जानी एथोनी की एक स्लैप सिटक कॉमेडी कई प्रशंसकों की तरह दिलीप की करियर की 37 फिल्मों से एक मानी जाती है। 24 में उन्होंने TV चंद्रन की
कगवेसन का निर्माण और अभिनय किया। उन्होंने चन टू पुटू 25 में अपने प्रदर्शन के लिए विशेष उल्लेख जीता। दिलीप ने एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स AMA के लिए धन जुटाने के लिए सोज जोशी की तरह निर्देशित 22:28 का निर्माण किया। यह फिल्म उस समय तक सबसे अधिक कमाई करने वाली मलयालम फिल्म 31.4 करोड़ बन गई। उन्होंने मलारवाड़ी ऑर्टर्स क्लब के साथ प्रोडक्शन में कदम रखा। कार्यस्थान उनकी 100वीं फिल्म थी। वेलारी प्रविंडी चंगते 20 इलार में उनकी भूमिका के लिए उन्होंने 37। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप राघवन की फैन हो और पावी कैरेक्टर टैकर मूवी को देखना पसंद करती हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहती हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। पावी कैरेक्टर 22:4 की भारतीय मलयालम भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो विनीत कुमार की द्वारा निर्देशित और राजेश राघवन की द्वारा लिखी है। इसका निर्माण दिलीप ने ग्रैंड प्रोडक्शन के माध्यम से किया था और इसमें उन्होंने शौर्य शीर्षक भूमिका निभाई थी। इसमें विनीत जानी एंटनी राधिका सार्थक कुमार और धर्मजन बोलघट्टी भी है। इसे 26 अप्रैल 22:4 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और इसे समीक्षकों से मिली जुली की सकारात्मक समीक्षा मिली। पावी केरल की एक ये आवासीय अपार्टमेंट में केयर टेकर है। एक अविवाहित की देखभाल करता का जीवन तब बदल जाता है जब एक केयर टेकर के लिए ही दोनों की अप्रत्याशित बंधन बनाता है जिसे जीवन की चुनौतियों के बीच एक ही आवासीय परिसर में उसकी नियमित आशीष तत्वों में खुशी जुड़ जाती है। पावी अपना अधिकांश समय इमारत में बिता रहे अपनी वृत्ति स्थिति को सुधारने के लिए अक्सर रात की सुरक्षा ड्यूटी साइड डबल शिफ्ट में काम करते हैं। कई मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों में आम चिड़चिड़ाकर दोनों के समीक्षकों के लिए ही ड्यूटी को सुधारने के लिए आम चिड़चिड़ा व्यवहार उसके अंदर भी सामने है और वह बेहद नासमझ है और मानता है कि दुनिया उसकी चारों ओर घूमती है और इमारत एक गुस्से स्वभाव वाला। पावी अपने पालतू कुत्ते भाई और अपने किराए के घर में सतवाना पाता है जहाँ वह दिन के समय सोता है। इस बीच घर की मालिक प्रूफ पुलिसकर्मी परियम्मा राधिका सरता कुमार अपनी शुरुआती अप्रतियों के बावजूद सेक्स मंजिल के एक हिस्से को किराए पर देने का फैसला करती है जहाँ पावी रहती है। पावी जो अपनी रात की पाली को काम के कारण इस व्यक्ति से कभी नहीं मिली। मरियम्मा से पता चला कि किराएदार का एक महिला है और वह धीरे धीरे उनकी साक्षात टेबल पर छोड़े गए नोटिस के माध्यम से उसके साथ स्वाद करना शुरू कर देते। अंत उसके लिए भावनाएं विकसित होती है। हालांकि वह गलत फॉर्मी के कारण महिला अचानक बाहर चली जाती है जिससे पावी का दिल टूट जाता है और उसके काम के प्रदर्शन पर असर पड़ता है जो पहले त्रुटिहीन तरीके से किया गया था। क्या वो फिर भी कभी मिलेंगे? ये फिल्म का शेष हिस्सा है। पावी कैरेक्टर 26 अप्रैल 22:4 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। रिलीज से पहले दिलीप ने मोहनलाल होशी टंग टीवी शो बिग बॉस सीजन 6 पर फिल्म का प्रचार किया। उन्होंने 47वें दिन बिग बॉस हाउस में प्रवेश किया, प्रतियोगियों से मुलाकात की और एक प्रेस वार्ता में फिल्म के बारे में विवरण साझा किया। फिल्म का आमतौर पर समीक्षकों और दर्शकों से मिली जुली से सकारात्मक समीक्षा में टाइम्स ऑफ इंडिया की आना मैथ्यूज ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और लिखा एक विशेष दिलीप की कॉमेडी। टाइम्स नाउ इंटरटेनमेंट डेस्क ने ये हार्ड कोडर दिलीप की शोकेस दैट इंटर टेंस की लिखा और 5 में से 3.5 रेटिंग दी। लेसमैन रिव्यूज की आविन भरराज ने लिखा मुख्य विषय का वैज्ञ प्रोन वल विलक्षण शैली की रहस्य की तरह
कुर्ता प्रयोग की दुरुपयोग किया जाता है और आपको जो मिलता है वह एक पुरानी और अनारी फिल्म है जो वास्तविक हास्य खोजने के लिए संघर्ष करती है और अनुशंसित नहीं निर्णय दिया। हिंदुस्तान टाइम्स की लता श्रीनिवासन ने लिखा है कि यह दिलीप के लिए उन कहानियों के बारे में सोचने का समय है जो उन्हें अपने समकालीनों की श्रेणी में ला सकती है, जो समीक्षकों को पार कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की आनंदू सुरेश ने 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा, विनीत कुमार की दिलीप के लिए ही अभिनीत फिल्म साबित करती है कि अभिनेता और फिल्म निर्माताओं दोनों को विटिन दिलीप को पुनर्जीवित करने का प्रयास बंद कर देना चाहिए और इसके बजाय कुछ नया बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सिनेमा एक्सप्रेस की विवेक संतोष ने 5 में से 50 रेटिंग दी और लिखा, किसी ऐसे व्यक्ति की लिए जिसने पहले 22 की 37 फिल्मों से एक डियर फ्रेंड का निर्देशन किया था। पावी केयर टेकर एक फिल्म निर्माता के रूप में विनीत कुमार के लिए एक गंभीर गिरावट है। OTT प्ले की गायत्री कृष्णा ने 2.55 की रेटिंग दी और लिखा, निर्देशन विनीत कुमार का प्रिय पुराने स्कूल की दिलीप को वापस लाने का प्रयास आधिकांश भाग के लिए एक नीरस और लंबी कहानी के कारण विफल होगी। नाउर्गनी के आर राजेश ने लिखा, दिलीप इस औसत दर्जे की रोमांटिक ड्रामा में अपेक्षाकृत लचीले मोड़ में दिखाई देते जो एक और दिलचस्प प्रेम संबंध के माध्यम से अच्छा महसूस कराता है। और 2.5 की रेटिंग दी, लोकसभा चुनाव के कारण शुरुआत दिनों में फिल्म के बहुत कम शो होने के बावजूद फिल्म केरल से 1.12 करोड़ का कलेक्शन करने में सफल है जिसे और उसे अच्छी शुरुआत मिली। दिलीप का जन्म 27 अक्टूबर 1967 को भारत की केरल को एर्नाकुलम जिले की इडवाना कड़ा में 55 प्लाई और सरोजम के यहाँ हुआ था। वह 3 बच्चों में सबसे बड़े हैं। उनका एक भाई अनूप और एक बहन साबिता है। दिलीप ने अलवा में विद्याधिराज विद्या भवन हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की, जहाँ उन्होंने 1985 में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की और 1985-1986-1987 के दौरान प्री डिग्री तीसरे समूह के लिए यूनियन क्रिएशन कॉलेज अलवा में शामिल हो गए। बाद में उन्होंने महाराजा कॉलेज एर्नाकुलम से इतिहास में डिग्री हासिल की। महाराजा कॉलेज में अपने समय के दौरान उन्होंने प्रभावादी कृतियों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। दिलीप ने अपने दोस्त नादिर शाह के साथ ओनम आधारित ऑडियो कैसेट का निर्माण और प्रदर्शन किया जिसका शीर्ष डी मावेली कोम्बथु था, जिसने उन्हें फिल्म उद्योग में प्रवेश करने में मदद की। दिलीप ने 1980 के दशक में एक मिमिक्री कलाकार के रूप में काम करते हुए लकला भवन में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने एशियानेट की कॉमेडी शो कॉर्मिकोला में भी अभिनय किया। बाद में कमल के सहायक निर्देशक के रूप में काम करते हुए उन्होंने कुछ छुट्टी भूमिकाओं में अभिनय किया, जिसकी शुरुआत कमल की एरनुडु इस्टम कुदामो 1992 में एक छोटे दूसरे से हुई। कमल ने कई निर्देशकों को उनके नाम की सिफारिश की। उन्होंने मनाथी कुटारम 1994 में भूमिका दिलीप के नाम को अपने स्क्रीन नाम के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया। 1996 को 2 फिल्मों में कमल की पूजा युम की कदनू और सुंदर दास की सल्पम की सफलता ने मलयालम फिल्म उद्योग में उनकी जगह पक्की कर दी। उन्होंने IV शशि की परना पकीटू 1997 में सहायक भूमिका निभाई। 1998 में पंजाबी हाउस ने सफल दिलीप हरिश्री अशोकन कंबो की शुरुआत की। ई परकुम माथालिका 21 और कुबेरन 22 बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफल है और उनकी करियर की 203 फिल्में मानी जाती है। 22 में उन्हें फिल्म कुंजी कुनन में कुंजन की भूमिका निभाने के लिए केरल राज्य फिल्म विशेष ज्यूरी पुरस्कार जीता। लाल जोश की मिसा माघवन 22 में दिलीप ने चोर माघवन की भूमिका निभाई। यह फिल्म जिसने एक पंथ विकसित किया उनकी करियर में एक बड़ी सफलता थी क्योंकि इसने
मलयालम सिनेमा में दिलीप की स्टारडम को एक नए स्तर पर बढ़ा दिया। उसी वर्ष उन्होंने राजियम के साथ तमिल सिनेमा में भी डेब्यू किया। सी आई डी मूसा 23 जानी एथोनी की एक स्लैप सीटक कॉमेडी कई प्रशंसकों की तरह दिलीप की करियर की 37 फिल्मों से एक मानी जाती है। 24 में उन्होंने टीवी चंद्रन की कगवेशन का निर्माण और अभिनय किया। उन्होंने चंटू पुटू 25 में अपने प्रदर्शन के लिए विशेष उल्लेख जीता। दिलीप ने एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स AMA के लिए धन जुटाने के लिए सोज जोशी की तरह निर्देशित 22:28 का निर्माण किया। यह फिल्म उस समय तक सबसे अधिक कमाई करने वाली मलयालम फिल्म 31.4 करोड़ बन गई। उन्होंने मलारवाड़ी ऑर्टर्स क्लब के साथ प्रोडक्शन में कदम रखा। कार्यस्थान उनकी 100वीं फिल्म थी। वेलारी प्रविंडी चंगथे 20 इलार में उनकी भूमिका के लिए उन्होंने 37। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप राघवन की फैन हो और पावी कैरेक्टर टैकर मूवी को देखना पसंद करती हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहती हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। पावी कैरेक्टर 22:4 की भारतीय मलयालम भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो विनीत कुमार की तरह निर्देशित और राजेश राघवन की तरह लिखी है। इसका निर्माण दिलीप ने ग्रैंड प्रोडक्शन के माध्यम से किया था और इसमें उन्होंने शौर्य शीर्षक भूमिका निभाई थी। इसमें विनीत जानी एंटनी राधिका सार्थक कुमार और धर्मजन बोलघट्टी भी है। इसे 26 अप्रैल 22:4 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और इसे समीक्षकों से मिली जुली की सकारात्मक समीक्षा मिली। पवी केरल की एक ये आवासीय अपार्टमेंट में केयर टेकर है। एक अविवाहित की देखभाल करता का जीवन तब बदल जाता है जब एक केयर टेकर के लिए ही दोनों की अप्रत्याशित बंधन बनाता है जिसे जीवन की चुनौतियों के बीच एक की आवासीय परिसर में उसकी नियमित आशी तत्वों में खुशी जुड़ जाती है। पावी अपना अधिकांश समय इमारत में बिता रहे अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए अक्सर रात की सुरक्षा ड्यूटी साइड डबल शिफ्ट में काम करते हैं। कई मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों ने आम चिड़चिड़ाकर दोनों के समीक्षाओं के लिए ही ड्यूटी को सुधारने के लिए आम चिड़चिड़ा व्यवहार उसके अंदर भी सामने है और वह बेहद नासमझ है और मानता है कि दुनिया उसकी चारों ओर घूमती है और इमारत एक गुस्सा स्वभाव वाला पावी अपने पालतू कुत्ते भाई और अपने किराए के घर में सतवाना पाता है जहाँ वह दिन के समय सोता है। इस बीच घर की मालिक प्रूफ पुलिसकर्मी परियम्मा राधिका सरथा कुमार अपनी शुरुआती अप्रतियों के बावजूद सेक्स मंजिल के एक हिस्से को किराए पर देने का फैसला करती है जहाँ पावी रहती है। पावी जो अपनी रात की पाली को काम के कारण इस व्यक्ति से कभी नहीं मिली मरियम्मा से पता चला कि किराएदार का एक महिला है और वह धीरे धीरे उनकी साक्षात टेबल पर छोड़े गए नोटिस के माध्यम से उसके साथ स्वाद करना शुरू कर देते अंत उसके लिए भावनाएं विकसित होती है। हालांकि वह गलत फॉर्मी के कारण महिला अचानक बाहर चली जाती है जिससे पावी का दिल टूट जाता है और उसके काम के प्रदर्शन पर असर पड़ता है जो पहले त्रुटिहीन तरीके से किया गया था। क्या वो फिर भी कभी मिलेंगे ये फिल्म का शेष हिस्सा है। पावी कैरेक्टर 26 अप्रैल 22:4 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। रिलीज से पहले दिलीप ने मोहनलाल होशी टंग टीवी शो बिग बॉस सीजन 6 पर फिल्म का प्रचार किया। उन्होंने 47वें दिन बिग बॉस हाउस में प्रवेश किया, प्रतियोगियों से मुलाकात की और एक प्रेस वार्ता में फिल्म के बारे में विवरण साझा किया। फिल्म का आमतौर पर समीक्षकों और दर्शकों से मिली जुली से सकारात्मक समीक्षा में टाइम्स ऑफ इंडिया की आना मैथ्यूज ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और लिखा एक विशिष्ट दिलीप की कॉमेडी। टाइम्स नाउ
इंटरटेनमेंट डेस्क ने एड हार्ट को डॉक्टर दिलीप की शोकेस दैट इंटर टेंस की लिखा और 5 में से 3 5 रेटिंग दी। लेसमैन रिव्यूज की आविन भारद्वाज ने लिखा मुख्य विषय का वैज्ञ प्रोन विल्सन शैली की रहस्य की तरह कुर्ता प्रयोग की दुरुपयोग किया जाता है और आपको जो मिलता है वह एक पुरानी और अनारी फिल्म है जो वास्तविक हास्य खोजने के लिए संघर्ष करती है और अनुशंसित नहीं निर्णय दिया। हिंदुस्तान टाइम्स की लता श्रीनिवासन ने लिखा है कि यह दिलीप के लिए उन कहानियों के बारे में सोचने का समय है जो उन्हें अपने समकालीनों की श्रेणी में ला सकती है जो समीक्षकों को पार कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की आनंदू सुरेश ने 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा विनीत कुमार की दिलीप के लिए ही अभिनीत फिल्म साबित करती है कि अभिनेता और फिल्म निर्माता दोनों को विटिन दिलीप को पुनर्जीवित करने का प्रयास बंद कर देना चाहिए और इसके बजाय कुछ नया बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सिनेमा एक्सप्रेस की विवेक संतोष ने 5 में से 50 रेटिंग दी और लिखा किसी ऐसे व्यक्ति की लिए जिसने पहले 22 की 37 फिल्मों से एक डियर फ्रेंड का निर्देशन किया था। पावी केयर टेकर एक फिल्म निर्माता के रूप में विनीत कुमार के लिए एक गंभीर गिरावट है। OTT प्ले की गायत्री कृष्णा ने 2.55 की रेटिंग दी और लिखा निर्देशन विनीत कुमार का प्रिय पुराने स्कूल की दिलीप को वापस लाने का प्रयास आधिकांश भाग के लिए एक नीरस और लंबी कहानी के कारण विफल होगी। नाउर ने KKR राजेश ने लिखा दिलीप इस औसत दर्जे की रोमांटिक ड्रामा में अपेक्षाकृत लचीले मोड़ में दिखाई देते जो एक और दिलचस्प प्रेम संबंध की माध्यम से अच्छा महसूस कराता है और 2.5 की रेटिंग दी। लोकसभा चुनाव के कारण शुरुआत दिनों में फिल्म के बहुत कम शो होने के बावजूद फिल्म केरल से 1.28 करोड़ का कलेक्शन करने में सफल है जिसे और उसे अच्छी शुरुआत मिली। दिलीप का जन्म 27 अक्टूबर 1967 को भारत की केरल को एर्नाकुलम जिले की एडवाना कड़ा में 55 प्लाई और सरोजम के यहाँ हुआ था। वह 3 बच्चों में सबसे बड़े हैं। उनका एक भाई अनूप और एक बहन साबिता है। दिलीप ने अलवा में विधाधिराज विधा भवन हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की जहाँ उन्होंने 1985 में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की और 1985-1986-1987 के दौरान प्री डिग्री तीसरे समूह के लिए यूनियन क्रिएशन कॉलेज अलवा में शामिल हो गए। बाद में उन्होंने महाराजा कॉलेज एर्नाकुलम से इतिहास में डिग्री हासिल की। महाराजा कॉलेज में अपने समय के दौरान उन्होंने प्रभावादी कृतियों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। दिलीप ने अपने दोस्त नादिर शाह के साथ ओनम आधारित ऑडियो कैसेट का निर्माण और प्रदर्शन किया जिसका शीर्ष डी मावेली कोम्बथु था जिसने उन्हें फिल्म उद्योग में प्रवेश करने में मदद की। दिलीप ने 1980 के दशक में एक मिमिक्री कलाकार के रूप में काम करते हुए लकला भवन में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने एशियानेट की कॉमेडी शो कॉर्मिकोला में भी अभिनय किया। बाद में कमल के सहायक निर्देशक के रूप में काम करते हुए उन्होंने कुछ छुट्टी भूमिकाओं में अभिनय किया जिसकी शुरुआत कमल की एनुडू इस्टम कुदामो 1992 में एक छोटे दूसरी से कमल ने कई निर्देशकों को उनके नाम की सिफारिश की। उन्होंने मनाथी कुटारम 1994 में भूमिका दिलीप के नाम को अपने स्क्रीन नाम के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया। 1996 को 2 फिल्मों में कमल की पूजा युम की कदनू और सुंदर दास की सल्पम की सफलता ने मलयालम फिल्म उद्योग में उनकी जगह पक्की कर दी। उन्होंने IV शशि की परना पकीटू 1997 में सहायक भूमिका निभाई। 1998 में पंजाबी हाउस ने सफल दिलीप हरिश्री अशोकन कंबो की शुरुआत की।
कि ई परकुम्मा थालिका 21 और कुबेरन 22 बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफल रही और उनकी करियर की 203 फिल्में मानी जाती है। 22 में उन्हें फिल्म कुंजी कुनन में कुंजन की भूमिका निभाने के लिए केरल राज्य फिल्म विशेष ज्यूरी पुरस्कार जीता। लाल जोश की मिसा माघवन 22 में दिलीप ने चोर माघवन की भूमिका निभाई। यह फिल्म जिसने एक पंत विकसित किया उनकी करियर में एक बड़ी सफलता थी क्योंकि इसने मलयालम सिनेमा में दिलीप की स्टारडम को एक नए स्तर पर बढ़ा दिया। उसी वर्ष उन्होंने राज्यम के साथ तमिल सिनेमा में भी डेब्यू किया। सी आई डी मूसा 23 जानी एथोनी की एक स्लैप सीटक कॉमेडी कई प्रशंसकों की तरह दिलीप की करियर की 37 फिल्मों से एक मानी जाती है। 24 में उन्होंने टीवी चंद्रन की कगवेशन का निर्माण और अभिनय किया। उन्होंने चंटू पुटू 25 में अपने प्रदर्शन के लिए विशेष उल्लेख जीता। दिलीप ने एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स AMA के लिए धन जुटाने के लिए सोज जोशी की तरह निर्देशित 22:28 का निर्माण किया। यह फिल्म उस समय तक सबसे अधिक कमाई करने वाली मलयालम फिल्म 31.4 करोड़ बन गई। उन्होंने मलारवाड़ी ऑर्टर्स क्लब के साथ पुरकसर में कदम रखा। कार्यस्थान उनकी 100वीं फिल्म थी। वेलारी प्रविंडी चंगते 20 इलार में उनकी भूमिका के लिए उन्होंने 37। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप राघवन की फैन हो और पावी कैरेक्टर टैकर मूवी को देखना पसंद करती हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहती हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। पावी कैरेक्टर 22:4 की भारतीय मलयालम भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो विनीत कुमार की तरह निर्देशित और राजेश राघवन की तरह लिखी है। इसका निर्माण दिलीप ने ग्रैंड प्रोडक्शन के माध्यम से किया था और इसमें उन्होंने शौर्य शीर्षक भूमिका निभाई थी। इसमें विनीत जानी एंटनी राधिका सार्थक कुमार और धर्मजन बोलगट्टी भी है। इसे 26 अप्रैल 22:4 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और इसे समीक्षकों से मिली जुली की सकारात्मक समीक्षा मिली। पावी केरल की एक ये आवासीय अपार्टमेंट में केयर टेकर है। एक अविवाहित की देखभाल कर्ता का जीवन तब बदल जाता है जब एक केयर टेकर के लिए ही दोनों की अप्रत्याशित बंधन बनाता है जिसे जीवन की चुनौतियों के बीच एक की आवासीय परिसर में उसकी नियमित आशी तत्वों में खुशी जुड़ जाती है। पावी अपना अधिकांश समय इमारत में बिता रहे अपनी वृत्ति स्थिति को सुधारने के लिए अक्सर रात की सुरक्षा ड्यूटी साइड डबल शिफ्ट में काम करते हैं। कई मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों ने आम चिड़चिड़ाकर दोनों के समीक्षाओं के लिए ही ड्यूटी को सुधारने के लिए आम चिड़चिड़ा व्यवहार उसके अंदर भी सामने है और वह बेहद नासमझ है और मानता है कि दुनिया उसकी चारों ओर घूमती है और इमारत एक गुस्सा स्वभाव वाला। पावी अपने पालतू कुत्ते भाई और अपने किराए के घर में सतवाना पाता है जहाँ वह दिन के समय सोता है। इस बीच घर की मालिक प्रूफ पुलिसकर्मी परियम्मा राधिका सरथा कुमार अपनी शुरुआती अप्रतियों के बावजूद सेक्स मंजिल के एक हिस्से को किराए पर देने का फैसला करती है जहाँ पावी रहती है। पावी जो अपनी रात की पाली को काम के कारण इस व्यक्ति से कभी नहीं मिली मरियम्मा से पता चला कि किराएदार का एक महिला है और वह धीरे धीरे उनकी साक्षात टेबल पर छोड़े गए नोटिस के माध्यम से उसके साथ स्वाद करना शुरू कर देते। अंत उसके लिए भावनाएं विकसित होती है। हालांकि वह गलत फॉर्मी के कारण महिला अचानक बाहर चली जाती है जिससे पावी का दिल टूट जाता है और उसके काम के प्रदर्शन पर असर पड़ता है जो पहले त्रुटिहीन तरीके से किया गया था। क्या वो फिर भी कभी मिलेंगे? ये फिल्म का शेष हिस्सा है। पावी कैरेक्टर 26 अप्रैल 22:4 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।
रिलीज से पहले दिलीप ने मोहनलाल होसी टंग टीवी शो बिग बॉस सीजन 6 पर फिल्म का प्रचार किया। उन्होंने 47वें दिन बिग बॉस हाउस में प्रवेश किया, प्रतियोगियों से मुलाकात की और एक प्रेस वार्ता में फिल्म के बारे में विवरण साझा किया। फिल्म का आमतौर पर समीक्षकों और दर्शकों से मिली जुली से सकारात्मक समीक्षा में टाइम्स ऑफ इंडिया की आना मैथ्यूज ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और लिखा एक विशेष दिलीप की कॉमेडी। टाइम्स नाउ इंटरटेनमेंट डेस्क ने ये हार्ड कोडर दिलीप की शोकेस दैट इंटर टेंस की लिखा और 5 में से 3.5 रेटिंग दी। लेसमैन रिव्यूज की आविन भरदाज ने लिखा मुख्य विषय का वैज्ञ प्रोन वल विलक्षण शैली की रहस्य की तरह कुर्ता प्रयोग की दुरुपयोग किया जाता है और आपको जो मिलता है वह एक पुरानी और अनारी फिल्म है जो वास्तविक हास्य खोजने के लिए संघर्ष करती है और अनुशंसित नहीं निर्णय दिया। हिंदुस्तान टाइम्स की लता श्रीनिवासन ने लिखा है कि यह दिलीप के लिए उन कहानियों के बारे में सोचने का समय है जो उन्हें अपने समकालीनों की श्रेणी में ला सकती है जो समीक्षकों को पार कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की आनंद सुरेश ने 5 में से 2 रेटिंग दी और लिखा विनीत कुमार की दिलीप के लिए ही अभिनीत फिल्म साबित करती है कि अभिनेता और फिल्म निर्माताओं दोनों को ब्रिटेन दिलीप को पुनर्जीवित करने का प्रयास बंद कर देना चाहिए और इसके बजाय कुछ नया बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सिनेमा एक्सप्रेस की विवेक संतोष ने 5 में से 50 रेटिंग दी और लिखा किसी ऐसे व्यक्ति की लिए जिसने पहले 22 की 37 फिल्मों से एक डियर फ्रेंड का निर्देशन किया था। पावी केयर टेकर एक फिल्म निर्माता के रूप में विनीत कुमार के लिए एक गंभीर गिरावट है। OTT प्ले की गायत्री कृष्णा ने 2.5 की रेटिंग दी और लिखा निर्देशन विनीत कुमार का प्रिय पुराने स्कूल की दिलीप को वापस लाने का प्रयास अधिकांश भाग के लिए एक नीरस और लंबी कहानी के कारण विफल होगी। नाउर ने KKR राजेश ने लिखा दिलीप इस औसत दर्जे की रोमांटिक ड्रामा में अपेक्षाकृत लचीले मोड़ में दिखाई देते जो एक और दिलचस्प प्रेम संबंध की माध्यम से अच्छा महसूस कराता है और 2.5 की रेटिंग दी। लोकसभा चुनाव के कारण शुरुआत दिनों में फिल्म के बहुत कम शो होने के बावजूद फिल्म केरल से 1.2 करोड़ का कलेक्शन करने में सफल है जिसे और उसे अच्छी शुरुआत मिली। दिलीप का जन्म 27 अक्टूबर 1967 को भारत की केरल को एर्नाकुलम जिले की एडवाना कड़ा में 55 प्लाई और सरोजम के यहाँ हुआ था। वह 3 बच्चों में सबसे बड़े हैं। उनका एक भाई अनूप और एक बहन साबिता है। दिलीप ने अलवा में विधाधिराज विधा भवन हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की जहाँ उन्होंने 1985 में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की और 1985-1986-7 के दौरान प्री डिग्री तीसरे समूह के लिए यूनियन क्रिएशन कॉलेज अलवा में शामिल हो गए। बाद में उन्होंने महाराजा कॉलेज एर्नाकुलम से इतिहास में डिग्री हासिल की। महाराजा कॉलेज में अपने समय के दौरान उन्होंने प्रभावादी कृतियों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। दिलीप ने अपने दोस्त नादिर शाह के साथ ओनम आधारित ऑडियो कैसेट का निर्माण और प्रदर्शन किया जिसका शीर्षक डी मावेली कोम्बथु था जिसने उन्हें फिल्म उद्योग में प्रवेश करने में मदद की। दिलीप ने 1980 के दशक में एक मिमिक्री कलाकार के रूप में काम करते हुए लकला भवन में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने एशियानेट की कॉमेडी शो कॉर्मिकोला में भी अभिनय किया। बाद में कमल के सहायक निर्देशक के रूप में काम करते हुए उन्होंने कुछ छोटी भूमिकाओं में अभिनय किया जिसकी शुरुआत कमल की एरनुडु इस्टम कुदामो 1992 में एक छोटे रूसियों से हुई। कमल ने कई निर्देशकों को उनके नाम की सिफारिश की। उन्होंने मनाथी कुटारम 1994 में भूमिका दिलीप के नाम को अपने स्क्रीन नाम के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया। 1996 को
दो फिल्मों में कमल की पूजा, युम की कदनू और सुंदर दास की सल्पम की सफलता ने मलयालम फिल्म उर्दू में उनकी जगह पक्की कर दी। उन्होंने आई बी शशि की परना पक्की 1997 में सहायक भूमिका निभाई। 1998 में पंजाबी हाउस ने सफल दिलीप हरिश्री अशोकन कंबो की शुरुआत की कि ए परकुम माथालिका 21 और कुबेरन 22 बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफल है और उनकी करियर की 203 फिल्में मानी जाती है। 22 में उन्हें फिल्म कुंजी कुनन में कुंजन की भूमिका निभाने के लिए केरल राज्य फिल्म विशेष ज्यूरी पुरस्कार जीता। लाल जोश की मिसा माघवन 22 में दिलीप ने चोर माघवन की भूमिका निभाई। यह फिल्म जिसने एक पंत विकसित किया उनकी करियर में एक बड़ी सफलता थी क्योंकि इसने मलयालम सिनेमा में दिलीप की स्टारडम को एक नए स्तर पर